वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट दिस इज मी तिवारी बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाता है बिल्कुल फ्री एजुकेशन ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सकें तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे कॉकरोच के बारे में कल हमने उनको बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश की थी अभी बहुत अच्छे से पढ़ा नहीं है पर मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि जिस भी बच्चे ने लास्ट का फोर्टी मिनट लेक्चर जो मेरा मैंने आपको कल पढ़ाया था मॉर्फोलॉजी पार्ट वन अगर जिस बच्चे ने वो लेक्चर लगा लिया होगा ये मान लेना कि तुम्हें कॉकरोच की मोरफॉलोजी जो है एटलीस्ट आधी तो क्लियर हो गई है आज हम उसके बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे और जानेंगे मॉर्फोलॉजी में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें कवर करवा दी हैं जो नहीं कवर है वो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंपाउंड आइज़ के बारे में पढ़ेंगे कि कॉकरोच जो है उसका विजन कैसा होता है हम उनके माउथ पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से माउथ पार्ट्स होते हैं हम कॉकरोच के लेग के बारे में पढ़ेंगे विंग्स के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था पर जो भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वो आज हम रिवाइज करेंगे सो डोंट वरी अबाउट इट सो लेट स्टार्ट विद द कॉकरोच मॉर्फोलॉजी पार्ट टू चलिए शुरू करते हैं क्या है कहानी ये कॉकरोच का मैंने आपको बताया था कि ये सिस्टम्स हैं ये सब हो चुका है हमारा लास्ट क्लास लगाइएगा आप ठीक है सीधे सीधे आते हैं अपन किस पे लोकेशन एंड एनवायरमेंट कॉकरोच के बारे में बता पढ़ रहे हैं इट जस्ट अ रिविजन बच्चों है इट जस्ट अ रिविजन इसमें कोई भी बहुत बड़ा साइंस नहीं है आपको मैं रिविजन करवा रही हूँ बताइए कॉकरोच की लोकेशन कहाँ है कहाँ पाया जाएगा बेटा कॉकरोच जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड पाया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड ठीक है पूरे दुनिया में कॉकरोच का बोलबाला है ठीक है ये याद रखना है कि पूरी दुनिया में कॉकरोच पाए जाते हैं ऐसा कोई जगह नहीं है जहां कॉकरोच पाए ना जाए मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था कि कॉकरोच जो है वो ट्रांसपोर्टेशन से एक एक जगह से दूसरी जगह आते हैं इंडिया में भी अमेरिका से कॉकरोच वीट के ट्रांसपोर्टेशन गेहूं के ट्रांसपोर्टेशन के दौरान आ गया था वैसे भी कॉकरोच की कमी नहीं है अपने यहाँ ठीक चलिए उसके बाद आप मुझे बताइए कि इनका एनवायरमेंट लोकेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड अच्छा ऑल ओवर द वर्ल्ड से मुझे ये याद आया कि जो कॉकरोचेस होते हैं वो एरिया के अकॉर्डिंग वो जो है बटे होते हैं जैसे अमेरिकन कॉकरोच जो हुए है, है और अमेरिकन कॉकरोच के बारे में ही हमें पढ़ना है वो कौन सा होता है वोट वॉट इज द स्पीशीज ऑफ अमेरिकन कॉकरोच अमेरिकन कॉकरोच का नाम होता है पेरी प्लेनेटा अमेरिकाना ठीक है क्या नाम है इसका पेरी प्लानटा अमेरिकाना ठीक है तो क्या है ये पेरी प्लेनेटा अमेरिकाना ओके तो कॉकरोच जो होते हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड पाए जाते हैं बहुत सारी जगह पे हैं जैसे कि जर्मनी का कॉकरोच अलग है ठीक है ओके उसके बाद ओरिएंटल कॉकरोच अलग होते हैं ओरिएंटल कॉकरोच कैसे होते हैं जैसे ब्लाटा ओरिएटेलिस देखो ये सब आपको पढ़ना नहीं है ये सब मैं आपको बता रही हूँ कि ये सब कॉकरोच होते हैं ऑस्ट्रेलिया का कॉकरोच अलग होता है ठीक है पेरी प्लेनेटा ऑस्ट्रेलियस ऑस्ट्रेलिया सी ठीक है तो हमको कौन सा कॉकरोच पढ़ना है वैसे ब्लाटा ओरियंटेलिस जो है वो इंडियन ओरिजिन का कॉकरोच है इंडिया में ब्लाटा ओरिएंटेलिस का ओरिजिन हुआ था पर हमने कौन सा कॉकरोच पढ़ना है वी हैव टू लर्न अबाउट द अमेरिकन कॉकरोच पेरी प्लानाटा अमेरिकान के बारे में ऑल ओवर द वर्ल्ड पाया जाता है डिफरेंट ओरिएंटल कॉकरोच एकदम काला होता है ठीक है तो ऑल ओवर वर्ल्ड पाया जाने, जाने वाला जो कॉकरोच है इसका एनवायरमेंट क्या है बताइए ये हमेशा प्लेसेस में व्हाट डू यू मीन बाय जिस जगह पर आपको मॉइस्चर दिखता है ना बच्चों उसको कहते हैं डैम्प प्लेस ठीक है तो ये कौन से प्लेस पे पाया जाता है मॉइस्चर वाली प्लेस पे ठीक है डर्टी प्लेसेस पे पाया जाता है जहां पे गंदगी होती है वहां पर कॉकरोच का निवास रहता है जहां पर इनको एट द एरिया ऑफ ऑर्गेनिक फूड ठीक है एट द एरिया ऑफ ऑर्गेनिक फूड जहां पर इनको ऑर्गेनिक फूड दिखेगा वहां पर ये पाए जाएंगे ठीक है डन उसके बाद ये और कहा मिलते हैं एट नाइट ठीक है नाइट में मिलने वाले प्राणी हैं ये कैसे प्राणी हैं रात में मिलने वाले प्राणी हैं ठीक है तो ये रात में ऐसा गाना गाते हैं पार्टी होगी बहुत भयंकर ठीक है तो कॉकरोचेस जो होते हैं वो रात में ज्यादा निकलते हैं और ऐसे प्राणी जो रात में निकले रात में पार्टी मनाएं उसे कहते हैं आप नॉकटर्नल प्राणी ये कल लास्ट क्लास में हम लोगों ने डील किया था इन्हें आप कहते हैं नॉकटर्नल प्राणी क्यों ये रात में निकलते हैं ऐसा क्या इनके पास पाया जाता है जो इन्हें रात में निकलने में मदद करता है वो हम आज देखेंगे नॉक्टर्नल विजन हम लोगों में बहुत कम होता है हम रात के अंधेरे में नहीं देख सकते पर कॉकरोचेस जो होते हैं दे आर वेरी वेरी जो है सेंसिटिव आइज़ होती हैं इनकी नॉक्टर्नल विजन होते हैं और एक चीज़ और बता दूं कि ये कर्सोरियल होते हैं ठीक है दे आर वेरी 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 फास्ट रनर बच्चों वेरी फास्ट रनर ठीक है ये होते हैं करसोरियल दे आर वेरी फास्ट रनर ठीक है ये आपको याद रखना है बस इतना ही इतना ही बताइए तो आपको लोकेशन एंड एनवायरनमेंट समझ में आया कि किन जगहों पे पाए जाते हैं दे कैन फाउंड इन ऑल ओवर द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द एरिया इनकी स्पीशीज चेंज हो जाती है अमेरिकाना ब्लाटा जर्मैनिका ठीक ऑस्ट्रेलिया सी बहुत सारे कॉकरोचेस होते हैं अलग अलग कलर के होते हैं अगर मैं कलर की बात करूं वो आगे बात करेंगे हम लोग इतनी बात आपको क्लियर हो गई यहां पर एनवायरमेंट समझ में आ गया कि कहाँ रहते हैं लोकेशन कहाँ पाए जा सकते हैं ये हर जगह पाए जा सकते हैं नाली में ठीक है गद्दे के नीचे ठीक है तुम्हारे कपड़ों में तुम्हारी वॉशिंग मशीन में तुम्हारी अलमारी के अंदर एवरीवेयर ठीक है जहां ना पहुंचे भगवान वहां पहुंचे कॉकरोच ठीक है भगवान तो हर जगह है पर जहां ना पहुंचे इंसान वहां पहुंचे कॉकरोच ये सही है चलिए आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट ये कहानी क्लियर हो गई शेप बताएंगे शेप कैसा होता है देखो 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 ये है बाईलिटरल सिमेट्रिकल ये क्या होता है मैडम ये क्या बोल रही हो आप बेटा मेरे लाल बायोलेटरल सिमेट्रिकल हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था बताइए बायोलेट्रल सिमेट्रिकल हम लोगों ने तो पूरे पढ़ रहे हैं ना पर उसके बाद से ये क्या कहते हैं एनेलिडा वगैरह हो गए प्लेटे हेलमिन हो गए वहां से सबके पास तो बायोलेट्रल सिमेट्री ही होती है बायोलेट्रल सिमेट्री का मतलब ये होता है कि बीच से आप इन्हें दो इक्वल भागों में काट सकते हैं सपोज दैट की एक कॉकरोच है तो कॉकरोच को आप दो इक्वल भागों में काट सकते हैं सीधी बात है उसके बाद ये है कि ये डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट होते ठीक है डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट एंड होते बहुत ज्यादा फ्लैट नहीं दिखेंगे ठीक है पर ये है कि ये चपटे रहते हैं आपको कोई जो है मोटा तगड़ा भैंसों जैसे नहीं दिखाई देगा बिल्कुल चपटे दिखाई देंगे तो आर डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट They are bilateral symmetrical, ऐसा इनका शेप होता है ठीक है साइज की बात करूं तो इनका साइज जो है वो से लेकर सेवन पॉइंट सिक्स सेंटीमीटर तक हो सकता है ठीक है मतलब साढ़े सात सेंटीमीटर तक के इनके साइज हो सकते हैं ओके साइज के अगर आप आ, पेरी प्लेनेटा की बात करें ठीक है पेरी प्लेनेटा अमेरिकाना की बात करें तो इसका साइज जो है वो कितने एम mm तक हो सकता है ये आपके एनसीआरटी में भी ये डेटा दिया हुआ है करीब 38 एट mm तक इसका साइज हो सकता है साइज थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है एक आध एम पर इसका इतना बड़ा साइज हो सकता है कलर बताइए कलर बताइए बहुत वेरिएशन है कलर में वेरी मच वेरिएशन सो मच वेरिएशन देखो हमेशा ये याद रखो कि इनके कलर में बहुत ज्यादा वेरिएशन है बच्चों है हाँ? बहुत सारे कलर के कॉकरोच होते हैं इंडिया में कौन सा कॉकरोच पाया जाता है बोलो इंडिया में ना बहुत ही कॉमन टाइप का कॉकरोच है ब्राउन ब्राउन कलर का कॉकरोच पाया जाता है पर ओरिएंटल कॉकरोच होते हैं ब्लैक कलर के ठीक है ओरिएंटल कॉकरोच कैसे होते हैं ब्लैक कलर के कॉकरोच का कलर जो है ना वो ग्रीन भी हो सकता है कॉकरोच का कलर येलो या ऑरेंज भी हो सकता है तो बहुत ही डाइवर्स कलर के कॉकरोच इसमें पाए जाते हैं ठीक है ये क्लियर हो गया देखिए आपको ये क्लियर हो गया लोकेशन एनवायरमेंट क्लियर हो गया नाउ आपको क्लियर हो गया कि सिमेंट शेप क्या है साइज क्या है कलर क्या है हम एक एक हेडिंग डील कर रहे हैं आज आप चाहे तो नोट्स बना सकते हैं ठीक है नोट्स इसीलिए मैंने ये किया है वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कि कॉकरोच बाहर से देखने में दिखता है कैसा है मेरे लाल ठीक है कैसा दिखेगा बाहर से उसके बारे में बात कर रहे हैं तो कहाँ पाया जाता है आ, किस किस एन्वायरमेंट में रहता है अंधेरे में रहता है कर्सोरियल होता है उसके बाद हमने बात किया शेप कैसा होता है साइज कितना हो सकता

तो मैंने आपको लास्ट क्लास में ये डायग्राम बना के दिखाया था ये आई होप कि आपको याद होगा मैडम हमने कल क्या खाना खाया था ये तो याद नहीं हमें कल का डायग्राम क्या खा याद होगा हमें ठीक अब ये याद रखिएगा यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ठीक अब ये जितने भी सेगमेंट है देखो इनकी बॉडी जो है ना वो सेगमेंटेड है ठीक है थोड़ा सा यहाँ पर बात करना पड़ेगा इनकी जो बॉडी है वो है सेगमेंटेड ठीक है ओके okay, इनकी बॉडी क्या है सेगमेंटेड इच सेगमेंट इज कवर्ड द दॉडी सेगमेंट ठीक है देखते जाना बच्चों सेगमेंट ओके दिस इज द एबडोमल सेगमेंट ओके ये कौन सा सेगमेंट है एबडोमल सेगमेंट डन ओके और ये वाला जो एरिया है दिस इज कॉल्ड एज हेड सेगमेंट ये कौन सा से सेगमेंट है दिस इज हेड सेगमेंट डन ये कौन सा से सेगमेंट हो गया हमारा हेड सेगमेंट डन अब इनकी बॉडी का हर एक जो सेगमेंट है बॉडी इज सेगमेंटेड मैंने आपको तीन सेगमेंट लिख के बता दिए हेड है, head है. थॉरेक्स है एबडोमिन है ठीक है यहां से अगर आप ऐसा बना लेंगे तो भी कोई टेंशन नहीं है आप ऐसा भी बना लो खैर मैं उसके बारे में भी बात करते हैं बॉडी इनकी सेगमेंटेड है इनके पास तीन बॉडी के सेगमेंट है पर हमको यहां पर यह जानना जरूरी है हम चाहे किसी भी बॉडी के सेगमेंट के बारे में बात कर रहे हो इसके बारे में बात कर रहे हैं इसके बारे में बात कर रहे हैं इसके बारे में बात कर रहे हैं ईच सेगमेंट बच्चों ईच सेगमेंट ठीक है कवर्ड बाय कवर्ड कवर्ड बाय कवर्ड बाय कवर्ड बाय काइटिन ठीक है प्लेट्स ये लिख देते हैं अपन ठीक है जितना भी सेगमेंट है वो काइटीनियस प्लेट से कवर्ड है लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि मान लो कि ये कोई एक सेगमेंट है ठीक है मैं एक छोटा सा डायग्राम अभी लास्ट क्लास वाला ड्रॉ कर देती हूँ ये एक सेगमेंट है डन सपोज दैट की कॉकरोच का यह एक सेगमेंट है ठीक है चारों तरफ से कॉकरोच जो होता है वो प्लेट से घिरा हुआ रहता है ये एक प्लेट है उसकी डन उसके बाद दूसरे कलर से बनाऊ यह है इसकी दूसरी प्लेट डन और यह है इसकी तीसरी प्लेट डन और यह है, है इसकी चौथी प्लेट डन आप कॉकरोच का जो चारों तरफ से वो काइटिन से बनी हुई प्लेट से गिरे रहते हैं नाउ मैडम क्वेश्चन है हमारा कि काइटिन क्या होता है बोलिए काइटिन एक पॉलीसेकेराइड है बच्चों। काइटिन एक पॉलीसेकेराइड है ठीक है और ये नॉन लिविंग होता है कैसा होता है नॉन लिविंग होता है कैसे किससे बना होता है नैग यूनिट से बना होता है नैग यूनिट क्या है जिसको भी जानना है पॉलीसेकेराइड का लेक्चर लगाएगा वो ठीक है तो काइटिन क्या है काइटिन एक पॉलीसाइक्राइड होता है जो कि नॉन लिविंग नेचर का होता है किसी भी आउटर कवरिंग अगर हार्ड कवरिंग बनानी है तो हमन काइटिन का इस्तेमाल करते हैं जैसे फंगस का जो सेल वॉल होता है वो भी काइटिनियस होता है नाउ तो कॉकरोच का जो आ, क्या कहते हैं एक्सोस्केलेटन है एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ फोर प्लेट्स देखिए यहां पर अभी मैं बहुत फेयर ड्रॉ नहीं कर रही हूं बिकॉज ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अब हमको ये जानना है कि जो ऊपर की प्लेट्स होती हैं ठीक है जो ऊपर की प्लेट्स होती इनको क्या कहते हैं ऊपर की प्लेट्स को हम कहते हैं टर्गाइट ऊपर की प्लेट को हम क्या कहते हैं टर्गाइट नीचे ये सामने की प्लेट को हम कहते हैं डन तो कॉकरोच का अगर आप डायग्राम देखें तो कॉकरोच का इधर वाला हिस्सा जो सामने अगर कॉकरोच को ऐसा लेटा देंगे ना मतलब उल्टा लटा दीजिए आप ठीक है या ऐसा सीधा देखिए तो जो आप देख रहे हैं जैसे पटपट पटपड़ पटपड़ भागे जा रहा है तो जो पीठ वाला हिस्सा आप देख रहे हैं ना वो पीठ वाला हिस्से का जो प्लेट होता है उसको कहते हैं टर्गाइट क्या कहते हैं बच्चों टर्गाइट और जो सामने वाला हिस्सा है जो आपको नहीं दिख रहा है वो वाला हिस्सा कहलाता है स्टर्नाइट मेरी बात आपको क्लियर हो गई कि जो हिस्सा आपको दिख रहा है वो है टर्गाइट और जो नहीं दिख रहा है वो है स्टर्नाइट मतलब जो नहीं दिख रहा है वो है सामने वाला हिस्सा और जो दिख रहा है वो है पीछे वाला हिस्सा साइड वाले हिस्से का नाम मैडम आपने नहीं बताया इसको आप कहते हैं प्लूराइट प्लूराइट कह सकते हैं या इसी का नाम आप प्लूरा भी कह सकते हैं टर्गाइट स्टरनाइट और प्लूराइट इन तीनों को हम साथ में क्या कहते हैं स्क्लेराइट। लेट मी राइट दिस इन तीनों को साथ हम क्या कह सकते हैं यहां पे लिखूंगी मैं तर्गाइट. तर्गाइट प्लस स्टर्नाइट ठीक है प्लस प्लूराइट प्लू क्या कहते हैं इनको एक साथ स्क्लेराइट, स्क्लेराइट। ओहो ठीक है इनको आप साथ में क्या कहते हैं स्क्राइट डन अब सो ईच बॉडी सेगमेंट ऑफ द कॉक्रोचेस इज कवर्ड बाई द स्क्राइड्स स्क्लेराइड आर नथिंग इट इज द काइटीनियस प्लेट्स ठीक है ओके अब अगर मैडम आपने किसी कॉकरोच को एक डब्बे के अंदर भर दिया तो उसको हिल पाना बहुत मुश्किल होता है तो आपको यह समझना है कि एवरी फोर मेम्बरेन एवरी फोर मेम्बरेन इज अटैच बाय अ फ्लेक्सीबल मेंब्रेन

so each segment of the cockroach is covered by the chitinous plate all chitinous plate is called as sclerite agar plate peech par hai tergite प्लेट्स सामने स्क्ले, स्क्लेराइट तो 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 प्लेट ताकि थोड़ा तो डांस करने का इसको भी मौका मिले अब तुमने किसी कवर के अंदर बेचारे कॉकरोच को भर दिया और रोता रहेगा ना फिर कैसे आतंक मचाएगा तो आर्थ्रोइडल में उसको थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है डन ये क्लियर हो गया एक्सोस्केलेटन सबको डन डन अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि मैडम एंडोस्केलेटन होता है क्या देखिए एंडोस्केलेटन हेड वाले पार्ट में होता है सिर्फ हेड वाले पार्ट में होता है इसलिए हम लोग उसको डिनोट नहीं कर रहे हैं हम सिर्फ एक्सोस्केलेटन को डिनोट कर रहे हैं एंडोस्केलेटन होता है वाले पार्ट में चलिए आगे बात करते हैं नाउ बॉडी डिविजन बॉडी डिविजन आ जाइए देखिए देखेंगे अभी बॉडी डिविजन हालांकि हमने डील कर लिया देखिए बॉडी डिविजन के कितने हैं एक है बॉडी का पार्ट हेड एक है बॉडी का पार्ट थॉरेक्स और एक है बॉडी के पार्ट एबिन फिर भी थोड़ा सा बात चली है तो दूर तक जाएगी आइए देखें बॉडी डिविजन की बात कर रहे हैं या बॉडी सेगमेंट्स की बात कर रहे हैं बॉडी सेगमेंट ठीक है आइए देखें बॉडी सेगमेंट को हम लोग दो पार्ट्स में बच्चों डिवाइड कर रहे हैं एक हम बना रहे हैं एडल्ट की बॉडी कॉकरोच के एडल्ट की बॉडी और एक हम बात कर रहे हैं कॉकरोच के एम्ब्रियो की बॉडी ठीक है एम्ब्रियनिक स्टेज की बॉडी तो हम कॉकरोच के दो स्टेजेस के बारे में बात कर रहे हैं एक हम जवान कॉकरोच के बारे में बात कर रहे हैं और एक कॉकरोच जो कि अभी एम्ब्रियो है ठीक है उसके बारे में देखेंगे बॉडी के जो सेगमेंट हैं बॉडी इज डिवाइडेड इनटू थ्री सेगमेंट अभी हमने देखा बॉडी में एक होती है मुंडी ठीक है जिसको आप कहते हैं हेट बॉडी में होते हैं थॉरेक्स थोरेक्स ठीक है इसको छाती कह लेंट ओके okay? और एक बॉडी में होता है abdomen. Abdomen. Abdomen क्या होता है पेट वाला हिस्सा हिस्सा पीछे वाला छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करूं क्या नहीं करती हूं जाओ देखो अब हेड जो है वन टू थ्री एट दिस आपको थोरेसिक किसी भी कॉकरोच में थॉरेक्स में कितने सेगमेंट दिखते हैं तीन एबडोम काउंट करो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ठीक है अरे इसको मत काउंट करना था ये ऐसा ओके तो एब्डोमेन में कितने सेगमेंट दिखाई देते हैं दस थोरे में कितने दिखाई देते हैं तीन और हेड में कोई सेगमेंट दिखाई दे रहा नहीं तो फिर ये हो गया एक हो गया हेड एक पूरे सेगमेंट हो गया अब कहानी थोड़ा समझो कहानी में ट्विस्ट ये है कि जब आप एम्ब्रियोनिक स्टेज पे होते हैं ठीक है जब आप कौन से स्टेज पे होते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज पे होते हैं तो जो हेड होता है वो मिलके बनता है हेड में कितने सेगमेंट दिखाई देते हैं ठीक है में कितने दिखाई देते हैं में कितने दिखाई देते हैं तीन और में कितने दिखाई देते ग्यारह किसमें अंतर किस में है बोलिए हेड में और एबडोम में जब कॉकरोच जवान हुआ जब कॉकरोच जवान हुआ तो क्या होगा उसमें ठीक है अब उसकी भी जवानी जाने मन होगी अब उसके हेड में कितने हो गए उसके हेड में क्या हो गया ये जो सेगमेंट है ना बच्चों ये फ्यूज हो गया समझो ये जितने भी छह सेगमेंट थे ना कॉकरोच को ये सब फ्यूज हो गए और फ्यूज होने के बाद इनने कितना सेगमेंट बना लिया एक सेगमेंट ठीक है और आपके थॉरेक्स में कितने रहे थॉरेक्स में कितने रहे तीन ही सेगमेंट रहे कितने सेगमेंट रहे तीन सेग्मेंट ही रहे और आपके में कितने हो गए उसमें भी एक फ्यूजन हो गया और सेगमेंट कितना हो गया दस हो गया तो आपको क्लियर हो रही है ये कहानी कि एम्ब्रोनिक स्टेज में सेगमेंट हमको ज्यादा दिखाई देते हैं कितने दिखाई दे रहे हैं ग्यारह चौदह बीस हो गए ठीक है जबकि आपको एडल्ट में कितने दिखाई दे रहे हैं एडल्ट में आपको कितने दिखाई दे रहे हैं फोर्टीन सेगमेंट ठीक है तो कुल मिला के आपके एम्ब्रियोनिक uh, स्टेज में कॉकरोच के पास ज्यादा सेगमेंट होते हैं और एडल्ट में कम होते हैं आपको याद क्या रखना है आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि एडल्ट कॉकरोच में कितने सेगमेंट होते हैं ये क्लियर हो गया बॉडी डिविजन क्लियर हो गई कि बॉडी डिड इंटू थ्री पार्ट हेड हेड हैज वन सेगमेंट थॉरक्स हैज थ्री एंड हैज डन एंड ईच सेगमेंट इज कवर्ड बाय द दाइटेनियस प्लेट कॉल्ड एज क्लेराइट ठीक है एंड ईच

फिर हमने उसके शेप पढ़ी साइज पढ़ी कलर पढ़ा फिर हमने उसका एक्सोस्केलेटन क्या होता है वो पढ़ा पूरा के बारे में अर्थवाइडलना नहीं है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और अब हम शुरू कर रहे हैं हेड के बारे में चलो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द कॉम्पोनेट ऑफ हेड बेटा कॉम्पोनेट ऑफ हेड का मतलब ये है कि वट यू हैव टू लर्न इन द हेड ठीक है चलो देख लेते हैं कॉम्पोनेंट ऑफ द हेड चलो शुरू करें कॉम्पोनेंट ऑफ द हेड हेड में मुंडी में क्या क्या होता है चलो किसी कॉकरोच को जब हम देखेंगे पकड़कर ठीक है दबोच लेना किसी कॉकरोच को देखना उसमें क्या क्या दिखाई देता है सबसे पहले मुझे दिखती है उसकी आइज है फिर मुझे उसका दिखता है एंटीना एंटीना ठीक है फिर हालांकि मुझे हाँ ये भी तो दिखता है माउथ तो दिखता ही है ना तो हम इसको लिख देते हैं माउथ पार्ट्स ठीक है माउथ पार्ट्स माउथ पार्ट्स ओके और फिर मुझे दिखेगा एक ऑसिलर स्पॉट ऑसिलर स्पॉट डन तो ये इतने पार्ट्स हैं जो आपको हेड में पढ़ने आपको आइस पढ़ना है आपको एंटीना पढ़ना है इसको आप सिंगल एंटीनी कहेंगे एंटीना कह सकते हैं ठीक है माउथ पार्ट पढ़ने ऑसिलर स्पॉट पढ़ना है चलो शुरू करें शुरू करें हम लोग पार्ट ऑफ हेड पार्ट ऑफ हेड मैंने वहीं पर बना दिया था अच्छा ओ ओ ओ हेड के बारे में तो मैंने आपको बताया नहीं खैर लेट इट बी मैं यहाँ पे बता देती हूँ पार्ट्स ऑफ हेड हो गया है वहाँ पे मैं हेड बता देती हूँ हेड कैसा है वहाँ पर एक्चुअली इंट्रोडक्शन लिखना था हेड है इनका ट्राइंगुलर ट्राइंगुलर ठीक है इनका हेड कैसा दिखाई देता है हमको ट्राइंगुलर होता है ट्राइंगुलर हेड है इनका ओके अब देखो इनका हेड है हाइपोगनेथस ये बताया था ना मैंने आपको इनका हेड होता है हाइपोगनेथस देखिए आप कहानी ये है कि मान लीजिए कि ये है आपके थोड़ा सिक्स सेगमेंट वन टू थ्री और ये है आपके एब्डोमिनल सेगमेंट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ठीक है अब इनका जो हेड है वो डाउनवर्डली डायरेक्टेड रहता है इट इज लाइक दैट ओनली ट्राइंगुलर बना लो ठीक है ट्राइंगुलर हेड होता है और देखो कॉकरोच का जो हेड होगा ना वो ऐसा रहता है इट इज लाइक दैट है इट इज लाइक दैट ओके तो यहां पर ये जो उनका मुंह होता है ना ये ऐसे होता है राइट right एंगल पे ठीक है परपेंडिकुलर टू द एक्सेस ऑफ द बॉडी ये इनके एक्सेस से एक ऑक्रोच चले जा रहे हैं हु पर इनका मुंह कैसा होता है परपेंडिकुलर ठीक है तो जो है आपका जो हेड होता है वो ऐसे डाउनवर्डली डायरेक्टेड रहता है परपेंडिकुलर टू द लॉन्ग एक्सेस ऑफ द बॉडी लिखू क्या लिखू क्या चलिए लिख देती हूं पर पेंडिकुलर चू द लोंग एक्सेस एक्सेस ऑफ बॉडी थोड़ा मैं जल्दी लिखवा रही हूं क्योंकि हमने कर लिया था कल ठीक है ओके तो हेड कैसा है ट्राइंगुलर है हाइपोग इनका मुंह होता है मतलब ऐसा कॉकरोच चिल जरा हु पर इनका माउथ कैसा है इनका ऐसा ऐसा नीचे डाउनवर्डली डायरेक्टेड ठीक है तो अपरपेंडिकुलर टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बॉडी ठीक है डन अब इनका जो हेड होता है वो एक फ्लेक्सिबल नेक से थोरेसिक सेगमेंट से जुड़ा रहता है ये याद रखना है आपको इनका जो हेड रहता है वो एक फ्लेक्सिबल नेक से थोरेसिक सेगमेंट से जुड़ा हुआ रहता है डन इतनी बात क्लियर हो गई कि इनका जो हेड है वो फ्लेक्सिबल नेक से जुड़ा हुआ रहता है नाउ लेट मी तीन थोरेसिक सेगमेंट को अलग अलग कलर करूं क्या बोलो करती हूँ ये पहला थोरेसिक सेगमेंट है ग्रीन कलर से ओके okay, ये दूसरा थोरेसिक सेगमेंट है ऑरेंज कलर से और ये है तीसरा वन टू थ्री डन अभी थोड़ेक्स के बारे में डील करेंगे अभी हम सिर्फ इसके बारे में बात कर रहे हैं हेड के बारे में तो हेड ट्रायंगुलर है अच्छा एक चीज़ और आपको बता दूं मैं एक और बता दूं मैं सेगमेंट कितने थे हेड के पास छः फ्यूजन हो गया तो कितने हो गए एक पर स्क्राइड्स कितने आठ प्लेटें थी

एंटीना कैसा है इनका सेंसरी कैसा है इनका सेंसरी पार्ट uh, है ऐसा लिख सकती हूँ मैं इसमें उसके बाद माउथ पार्ट में व्हाट यू हैव टू लर्न क्या पढ़ना है आपको माउथ पार्ट में यू हैव टू लर्न अबाउट द मैक्सिला माउथ पार्ट में यू हैव टू लर्न अबाउट द मैंडिबल ये सब जबड़े हैं इसके माउथ पार्ट में यू हैव टू लर्न अबाउट द लेबियम माउथ पार्ट में तुम्हें और क्या पढ़ना है लेबरम ठीक है ये जीभ वो हो अपर लिप और लोअर लिप है और आपको पढ़ना है इनका हाइपोफेरिंग्स हाइपोफेरिंग्स जो कि एक ग्लैंड की तरह बिहेव करता है ओके okay? तो इतने कंपोनेंट ऑफ हेड है जिनके बारे में आपको पढ़ना है इतनी बातें सबको क्लियर हो गई ना इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है नाउ सो लेट स्टार्ट विद द एंटीना बना लो यहां से एंटीना है ठीक है तो ये कैसा माउथ दिख, दिख रहा है आपको कैसा माउथ दिख रहा है डाउनवर्डली डायरेक्टेड दिख रहा है ना ये कैसा दिखाई दे रहा है आपको डाउनवर्डली वर्डली डायरेक्टेड ठीक है ओके ब्लैक बोर्ड की आदत हो गई तो व्हाइट बोर्ड में राइटिंग बहुत ही बुरा आ रहा है बट लेट इट बी ये सारी कहानी क्लियर हो गई ना आपको हेड अभी पढ़ने वाले हैं तो ये डायग्राम अभी आपको को काम आएगा ये हो गया ना सबको कहानी क्लियर हो गई नोट्स क्लियर हो गए सबको नोट्स बना लेना अब अगर किसी ने बोला तो फिर बताते हैं उसको हम ये सारी चीजें आपको लिखनी है डन अब हम पढ़ेंगे द पार्ट ऑफ हेड में सबसे पहली चीज जो कि है आईज सो लेट स्टार्ट विद द आई तो चलो बच्चों शुरू करते हैं पार्ट्स ऑफ हेड के बारे में जो इसमें सबसे पहला पार्ट है हमारी आंखें हमारी मतलब काक्रोच की आंखें देखो काक्रोच की आँखें आँखें ना थोड़ा इनके साथ खेल है शुरू कर लेते हैं थोड़ा सा आ जाओ ये देखो कुछ समझ में आ रहा है इसमें कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है कोई टेंशन नहीं लेना है बस तुमको इसमें इतनी बातें समझनी है कि इसमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं ये देखो इसमें ना कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं इट इज़ लाइक दैट ओनली ठीक है ऐसे ऐसे ठीक है ऐसे जाल टाइप के स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं ओके इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं ओमा टीडियम ओमा टीडियम ठीक है इन स्ट्रक्चर्स का नाम क्या होता है बच्चों ओमा आज हम सबसे पहले इसी के बारे में पढ़ेंगे लेट स्टार्ट सपोज दैट कि कॉकरोच का ये हमारा माउथ है ट्रायंगुलर हेड ही बना लेती हूँ और क्या करूँगी ठीक है ये कॉकरोच का हेड है हमारा कॉकरोच के हेड में दो किडनी शेप की आंखें होती हैं ठीक है थीके? बना लो ठीक है बड़ी बड़ी लार्ज अरे तो कुछ ज़्यादा लार्ज बन गई क्यों तो कॉकरोच में बड़ी बड़ी, बड़ी किडनी शेप की बहुत ही बड़ी बन रही है और इनकी आंखें थोड़ी छोटी बनानी चाहिए दो किडनी शेप की आंखें होती हैं ठीक है थीके? ओके डन अब ये है इनकी आइस पहले मैं ये लेबल कर देती हूँ कि ये क्या है इनकी आइस डन यहाँ से यहाँ पर यहाँ से देखो यहाँ से ऐसे बाहर निकलते हैं एंटीना इसके ठीक है ये हैं इनके एंटीना ठीक है अब यहाँ पर इनके पास दो स्पॉट्स होते हैं कौन सा कलर लूँ बोलो कौन सा कलर तुम लोग को पसंद है ये ले लूँ मैं ओके ये तो ब्लू ही हो गया चलो देन आई टेक दिस ओके ओके यहाँ पर दो स्पॉट्स होते हैं ओके इन स्पॉट्स को आप क्या कहते हैं ऑसिलस ये ऑसिलस क्या हो उसको ठीक है ऑसिलस एक एक करके शुरू करते हैं वट इज द ऑसिलस बच्चो वट इज द ऑसिलस दिस इज नथिंग दिस इज नथिंग इट इज द सिंपल आई सिंपल आई देखो नो फंक्शन इन विजन ये कल हम लोगों ने नहीं डिस्कस किया था ना इसीलिए तो इसका विजन में कोई काम नहीं होता ठीक है हम लोग हेड पार्ट में आईज़ के बारे में पढ़ रहे हैं ठीक है वी हैव टू आईज ठीक है टू वी हैव मतलब कॉकरोच ओके okay? तो मुझे कॉकरोच मत समझ लेना टू बिग आईज टू बिग आईज विद किडनी विद क्या है विद क्या है विद क्या होता है, है? चलो किडनी शेप ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी तो ये कैसी होती हैं किडनी शेप की ओके डन सो इनके पास दो बड़ी बड़ी आंखें हैं जो कि किडनी शेप की होती हैं इनका पोजीशन अगर आईज की बात करूं मैं तो ये किसका इनका पोजीशन क्या होता है आइज का पोजीशन होता है डोर्सो लेटरल डोरसो लेटरल है पोजीशन डोर्सो लेटरल पोजीशन क्या होता है ऐसे ये है ना ये ये इनका डॉर्सल हिस्सा है ये इनका वेंट्रल हिस्सा है तो इनकी आंखें जो है यहां पर है डॉर्सो किनारे किनारे और पीछे की ओर ठीक है डॉर्सो सौ लेटरल इनका डॉर्सो मतलब पीछे लेटरल मतलब किनारे ठीक है इनके पास डॉर्सो सौ लेटरली दो आंखें होती हैं जो कि किडनी शेप की होती हैं जस्ट इसके नीचे होता है ऑसिलस वॉट इज द मीन्स ऑफ ऑसिलस जब आंखों का इवोल्यूशन हो रहा होगा कॉकरोच में तो कुछ पहले कुछ इवोल्यूशन के दौरान कुछ सिंपल आइज़ बनी होंगी जिन्हें आप कहते हैं ऑसिलस ठीक है ऑसिलस का काम विजन में नहीं है ऑसिलस का काम सिर्फ ये है कि आ, दिस Uh, will detect विल डिटेक्ट डिटेक्ट the लाइट लाइट एंड डार्क आपको क्लियर हो गई ये बात कि ऑसिलस जो है अगर आप आंख के जस्ट नीचे देखें तो दो स्पॉट्स आपको दिखाई देंगे इन स्पॉट्स को हम कहते हैं ऑसिलस ऑसिलस का काम विजन में नहीं है बच्चों ये देखने वेखने में काम नहीं करते देर इज नो रोल इन द विजन ऑफ द ऑसिलस नो ये सिर्फ ये पता लगाती है कॉकरोच को कि बेटा अभी दिन हो गया है तो अपने कोने में घुस लो बेटा रात हो गई है तो चलो अपन पार्टी बनाते हैं दिन हो गया है तो घुस लो नहीं तो कोई तुमको रौन देगा और मर जाओगे ठीक है तो असलस हमको लाइट और डार्क में कॉकरोच को डिटेक्ट करवाने में मदद करता है नाउ आइस की बात करूँ देखना ना ध्यान से ध्यान से देखना जहाँ नज़र हटी वहाँ दुर्घटना घटी अगर आप देखो तो आइज में आपको ऐसे कुछ हेक्सागोनल यूनिट्स दिखाई देंगे अब एग्जैक्टली exactly, हेक्सागोनल तो नहीं बना पा रही हूं यहाँ पर पर लेट इट बी यहाँ पर आपको कुछ हेक्सागोनल यूनिट्स दिखाई देंगे अगर आप ये वाली स्लाइड देखो तो यहां पर आपको हेक्सागोनल यूनिट्स दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही है आपको कुछ हेक्सागोनल यूनिट्स दिखाई देंगी डन ओके ये हेक्सागोनल यूनिट्स दोनों आंखों में क्या भयंकर आंखें हैं वाह 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 एक तो कॉकरोच ऊपर से तुम्हारे पास इतनी बड़ी बड़ी घोड़े जैसी आंखें ठीक है ऊपर से तुमको भगवान ने ऑसिलस भी दिया है कि तुम लाइट और डार्क भी पहचान लो ऊपर से तुम्हारे आंखों में इतने ज्यादा अरेंजमेंट ये हेक्सागोनल यूनिट क्या है देखे मतलब कॉकरोच के पास भी इतनी चीजें हो सकती तुम कभी सोचे थे इनके पास होती है हेक्सागोनल यूनिट्स ठीक है हेक्सागोनल यूनिट्स का नाम क्या है इन हेक्सागोनल यूनिट्स का नाम है ओमा दूसरे कलर से लिखूंगी इन हेक्सागोनल यूनिट्स का नाम है ओमाटीडियम ओमाटीडियम ठीक है ओमाटीडियम डन तो इन हेक्सागोनल यूनिट्स का नाम क्या है बच्चों ओमाटीडियम अब कहानी ये है कि अरे यार ठीक है कहानी ये है कि एक आंख में कितने ओमाटीडियम होते हैं तो एक आंख में होते हैं दो हजार ओमाटीडियम तो दोनों आंखों में कितने हो गए हैं मैथ्स के स्टूडेंट नहीं है अपन इतना भी नहीं कर पाएंगे क्या हैं हम सब कर सकते हैं तो दोनों आंखें में हो गए चार हजार ओमा टी तो इनके पास होते हैं दो हजार ओमा टी ये क्या होती है यूनिट काम क्या है देखो अब यहाँ पर तुमको समझाती हूँ देखो यहाँ पर ना थोड़ा सा ये वाला पोर्शन ले लेती हूँ देखो विजन के बारे में बात कर रहे हैं हम विजन ओके अगर मैं विजन के बारे में बात करूं कॉकरोच के तो इनका विजन होता है कंपाउंड विजन ये क्या होता है ये ये क्या होता है मैडम जरा समझाइए आप हम लोगों को देखो जब हम लोग जब हम लोग किसी भी चीज़ को देखते हैं ध्यान से देखना अगर सपोज दैट इफ आई एम लुकिंग एट कैमरा एंड सम्बडी इज़ लुकिंग फ्रॉम देयर टू देयर कोई मुझे देखता है ना तो मुझे ये हल्का हल्का समझ में आता है कि कोई मुझे देख रहा है बट एट दैट टाइम मेरा जो रेटिना है वो सिर्फ कैमरा की ओर फोकस कर रहा है तो मुझे दिख रही होंगी चीज़ें पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो हो क्या रहा है हल्का हल्का दिखाई देता है दिस इज कॉल्ड ए सिंपल विजन मैं एक बार पे एक ही चीज़ देखती हूँ और सराउंडिंग की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं कि भैया यहाँ पर अपने कैमरामैन भैया बैठे हैं यहाँ पर लाइट जल रही है जब तक मैं उधर नहीं देखूंगी ना जैसे मैं एक लाइट की ओर देख रही हूँ तो जब तक मैं लाइट की ओर नहीं देखूंगी तब तक मुझे क्लियर नहीं दिखाई देगा लाइट की ओर देख रही हूँ तो मुझे कैमरा ब्लड दिख रहा है इस लाइट की ओर देखती हूँ तो कैमरा ब्लड दिखता है बोर्ड की ओर देखती हूँ तो सब कुछ ब्लड दिखता है तो मैं एक बार पर एक ही चीज़ देखूंगी और एकदम क्लियर एकदम क्लियर ठीक है बाकी मुझे कोई भी चीज क्लियर नजर नहीं आएगी दिस इज कॉल्ड ए सिंपल विजन जो ह्यूमन बींगस के पास होता है इनके पास होता है कंपाउंड विज़न कंपाउंड विज़न भगवान ने इनको जो है ना बिल्कुल अस्त्र शस्त्र दे के भेजे हैं इनके साथ क्या है कि इनके जो 2000 हजार ओमा टीडीएम होते हैं ये 2000 हजार इमेजेस बनाते हैं एक साथ ठीक है मतलब एक बार में ठीक है जैसे मान लो कि सपोज दैट कि इनके सामने एक आ, क्या है यहाँ पर इनके पास एक चूहा पड़ा हुआ है ठीक है ये चूहा है अब ये चाहते हैं कि मरे हुए चूहे को ये खा ले ठीक है ये चाहते हैं कि ये इस मरे हुए चूहे को खा ले तो चूहे का ये वाला पार्ट जो है एक ओमा टीडियम इमेज बनाएगा इसका ये वाला 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 बनाएगा कुल मिला के बात यह है कि हमारे में तो क्या परेशानी है कि हम एक बार में एक इमेज बनाते रेटिना पे इनकी एक ही आंख में कई सारी इमेज बनती हैं और फिर वो फॉर्म होती है एक इमेज में ठीक है तो चूहे की आंख का इमेज किसी ने बनाया नाक का इमेज किसी ने बनाया पूंछ का इमेज किसी ने बनाया तो अलग अलग इमेजेस जो है ना वो वो सब जुड़कर फिर वो एक इमेज बनाने का काम करती हैं कंपाउंड विजन जो है ये एक्चुअली प्रॉब्लम इसके साथ पता है क्या है कि तुम कंपाउंड uh, विजन में यू कैन सी लॉट्स ऑफ थिंग इन वन टाइम समझ में आई बात तो मक्खी जैसे मक्खी है मक्खी की आंखें ना तुमको पता है कि जो मक्खी की आंखें होती ना वो पीछे भी देख सकती हैं समझ में आई बात यहां भी देख सकती हैं ठीक है ऊपर भी देख सकती है एक ही टाइम पे सामने भी देख सकती है। तुम जब सामने देख रहे हो तो उधर नहीं देख सकते जब ऊपर देख रहे हो तो उधर नहीं देख सकते हम एक बार में एक ही डायरेक्शन में देख सकते पर मक्खी की आंखें मच्छर की आंखें कॉकरोच की आंखें एक बार में एक ही चीजें देख सकती है इसलिए इसलिए मक्खी और मच्छर नॉट मच, मच्छर को भी हाँ मक्खी मच्छर और कॉकरोच को मारने जाते हैं तो तुमको तुमको क्या लगता है तुम बहुत स्मार्ट हो वो तुमसे ज्यादा स्मार्ट है वो पहले ही खिसक लेते हैं क्योंकि उनको ऊपर की भी चीजें दिख रही हैं कि भाई ये मारने आ रहा है खिसक लो जल्दी से तो इनको एक बार में ना बहुत सारी चीजें दिख सकती दिस इज कॉल्ड एज कंपाउंड विजन तो इनका विजन कैसा होता तो है कंपाउंड विजन दे कैन फॉर्म लॉट्स ऑफ इमेजेस इन वन टाइम बट द प्रॉब्लम इज बट द प्रॉब्लम ठीक है तो इनकी सेंसिटिविटी जो है बहुत ज्यादा है मेरी बात समझना दे हैव हाई एनसीआरटी का पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट दे शोज द हाई सेंसिटिविटी ठीक है हाई सेंसिटिविटी का मतलब ये है कि वो एक बार में बहुत ज्यादा चीजें देख सकते हैं दे कैन सी सी लॉट्स ऑफ इमेजेस इमेज ओ ओ दे कैन सी लॉट्स ऑफ इमेजेस इमेज एट वन टाइम ठीक है ये क्लियर हो गया सबको कहानी क्या बोला मैंने दे कैन सी लॉर्ट्स ऑफ इमेजेस इन वन टाइम बट द प्रॉब इज दे शोज द लोअ रिजोल्यूशन मेरी बात समझ रहे हैं आप दे शोज द लोअ रिजोल्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये क्वेश्चन आपके नीट में डेफिनेटली पूछा जा सकता है ठीक है डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट है विजन का पॉइंट ये सारे पॉइंट आपके नीट में पूछे जा सकते हैं कि बताइए कि कॉकरोच की आंखों की क्या प्रॉपर्टी है कॉकरोच की आंखें शोज द हाई सेंसिटिविटी वी आर सेंसिटिव फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सो मेनी इमेजेस इन वन टाइम बट वी शो द लो रेजोल्यूशन इट मींस टू से दैट कि मेरे को दिखता तो सब है पर सब धुंधला दिखता है तो लेट इट बी क्या फर्क पड़ता है क्या फर्क पड़ता है कॉकरोच को कौन सा है, अब के साथ ये थोड़ी है कि, सुनो, मैं वो कीड़ा खाऊंगा अच्छा दिखना चाहिए वो ब्यूटीफुल नहीं होगा तो 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 ये। ये खाना जब तक सुंदर नहीं दिखेगा मैं नहीं खाएगा सर सा अपने साथ ये प्रॉब्लम है ये रोटी सब्जी गंदा दिखता है इसको ले जाओ दिखी कैसा रहा है खाए कैसे ये डायलॉग है ना अपना बड़ा कॉमन कैसा दिख कैसा रहा है खाएंगे कैसे हम कॉकरोच के साथ क्या करना है

नल जो है कंपाउंड विजन होने की वजह से इनका जो नॉक्टर्नल विजन है वो भी बहुत अच्छा होता है ठीक है अब क्या है है विजन अच्छा होता है, जैसे रात में निकले भोजन के लिए तो ये निकले फिर टेट हाँ इधर रखा टमाटर इधर रखा अरे इनको क्या करना है टमाटर कच्चा है पका है चटनी बनी है कि नहीं बनी है तो सब खा लेंगे ना तो धुंधला दिखे साफ दिखे क्या फर्क पड़ता है अपने साथ प्रॉब्लम है ये कि अपने को साफ नहीं दिखेगा तो अपन नहीं खाते हैं ठीक है तो इनके साथ ये इनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल थिंग है कि इनको एक बार में बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं और क्योंकि ये फास्ट रनर होते हैं तो ये दन्न से जाते हैं दौड़ दौड़ के जगह कि भैया यहाँ पे ये दिख रहा है वो इधर भी देख लेते हैं इधर भी देख लेते हैं इधर टमाटर रखा है इधर आलू रखा कौन सा पहले भाऊ चलो आलू खा लेता हूँ ठीक है अब आलू सड़ा है गला है वो सब खा लेता है ओके तो ये समझ में आया आपको काउ कंपाउंड आइस क्या कहानी है इसकी

देख रहा है स्विच देख रहा है कैमरा देख रहा है सब देख रहा है एक साथ तो दो हजार अलग अलग इमेजेस भी ये साथ बना सकते हैं अभी मैंने आपको बताया अगर उनको रैट को खाना है तो रैट का आंख एक यूनिट में बनेगा रैट की आंख एक 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 में 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 धड़ एक में सर ऐसा होता है और फिर सारे मिलकर एक रैट बनाएंगे पर उनको ये नहीं समझ में आएगा कि रैट सड़ा है कि गला है कि जिंदा है कि मरा है ठीक है प्रॉब्लम ये है कि इनका रिजोल्यूशन कम है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नीट में ये सवाल आ सकता है इंपॉर्टेंट चीज मैंने अभी आपको बताई ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो अब हम लोग बढ़ेंगे आई कंप्लीट आईज कंप्लीट कंपाउंड आईज होती हैं हाई सेंसिटिविटी नहीं है हाई सेंसिटिविटी है लो रिजोल्यूशन है ओमा टी इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ द आई बस इतना ही सवाल आएगा इसके अलावा कोई सवाल नहीं आ सकता बेटा इतना ही याद रख लो ना तो बहुत है तो जिन लोगों को ये लगता है कि कॉकरोच एक बहुत ही परेशानी का चीज़ है बेटा इतना प्यारा इंसेक्टर देखो कितना सुंदर लग रहा है ना इतना सुंदर है सवाल छः आ जाते हैं क्या प्रॉब्लम है? है चलो अब अपन बात करते हैं एंटीना सेंसरी ऑर्गन हम लोगों को पढ़ना है सेंसरी ऑर्गन वी हैव टू लर्न अबाउट द सेंसरी ऑर्गन इन द कॉकरोच वी हैव टू लर्न अबाउट द सिंपलाइज सॉरी कंपाउंड आइज एंड एंटीना इन टू सेंसरी ऑर्गन टू तो वहां पर मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगी सेंसरी ऑर्गन में साथ ही साथ लेते हुए चल रही हूँ क्योंकि मैं आई एम टॉकिंग अबाउट द हेड तो मुझे एंटीना पढ़ाना पड़ेगा चलिए शुरू करते हैं एंटीना अब ये देखो आइज एंड इनकी कंपाउंड आइज ये आपको दिखाई दे रही है दीज आर द कंपाउंड आइज देखिए बड़ी बड़ी किडनी शेप की दिखाई दे रही है अगर आपको दिख रहा हो ओके okay. उसके बाद इनके आंखों के जस्ट एरिया पे इस जगह पर होता है एंटीनरी सॉकेट क्या होता है एंटीनरी सॉकेट और इस एंटीनरी सॉकेट से आ, निकलता है इनका एंटीना ठीक है इनका जो एंटीना है वो है सेगमेंटेड लेट स्टार्ट है शुरू करें चलो बनाते हैं ये है इनका मुंह ये है इनकी आंखें हैं ये है इनका एंटीनरी सॉकेट लिख लू लिख लू यह है इनके आइस है यह है इनका एंटीनरी सॉकेट एंटीनरी सॉकेट ठीक है और इस एंटीनरी सॉकेट से बाहर आते हैं इनके सेगमेंटेड एंटीना ये याद रखिएगा है इस एंटीनरी सॉकेट से बाहर आते हैं इनके एंटीनरी सॉकेट से बाहर आते हैं इनके सेगमेंटेड एंटीना तो ये क्या है इनके सेग अब अब ठीक है आप समझना ध्यान से क्या बोल रही हूँ मैं हैं इनके पास इस एंटीना का, का काम क्या है क्या है एंटीना का काम एंटीना सिग्नल को कैच करता है ना टीवी के हैं जब जब मुझे याद है कि जब मैं बचपन में थी तो ऐसे टाटा स्काई डिश टीवी ये सब आता ही नहीं था लोग एंटीना ऐसे, ऐसे 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 वाले शेप के एंटीना लगाते थे घर पे और फिर पकड़ कर कैच करवाते थे है ना मुझे याद है ऐसा एंटीना जो है उससे याद रखो एंटीना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैचिंग ऑफ सिग्नल बच्चों एंटीना सिग्नल को रिसीव करता है ठीक है सिग्नल को रिसीव करता अब टीवी का एंटीना टीवी क्यों के ऊपर करता है क्योंकि उसके पास कुछ है कुछ ऐसी चीज़ें होंगी कुछ तार वार होगा कोई सिग्नल विग्नल आता होगा सैटेलाइट से जिसको गेन करके वो तुम्हें इमेज दिखाता है टीवी पे इन एंटीना के पास क्या होता है देखेंगे इन एंटीना के पास होते हैं ऑल रिसेप्टर एंड टेक्टाइल रिसेप्टर आहा, हा, हा। ये शब्द जो है मैडम आपने मारा है हमारे मुंह ये बहुत ही खतरनाक है कोई बात नहीं अभी समझा देती हूं। इनके पास इनके एंटीना के पास होते हैं ऑल रिसेप्टर और टेक्टाइल रिसेप्टर डन ये क्या होता है, है? आ, 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 आ। देखो इनके पास इनके एंटीना में होते हैं दो चीजें ऑल्फेक्ट्री रिसेप्टर और टेक्टाइल रिसेप्टर ये क्या होता है ऑल्फेक्ट्री रिसेप्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्मेल ये रिसेप्टर आपको क्या करवाता है बच्चों स्मेल समझे कि नहीं समझे चलो देखो क्या बोल रही हूं मैं चलो देखिएगा कॉकरोच भी इतना स्मार्ट है भले कोट पैंट टाई नहीं पहनता तो क्या हुआ पर वो भी इतना स्मार्ट है कि उसको पता है कि उसको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है दे हैव ऑल रिसेप्टर सो दे कैन स्मेल द सोर्स ऑफ फूड ठीक है लिखूँ यहाँ पर दे कैन दीज दीज एंटीना कैन स्मेल दीज एंटीना कैन सेंस द स्मेल ऑफ़ फूड ठीक है तो ये स्मेल कर लेंगे स्मेल किसकी करेंगे टाइप फूड की स्मेल कर लेंगे ठीक है फूड सोर्स की स्मेल कर लेंगे सोर्स ऑफ फूड की भी स्मेल कर लेंगे ठीक है तो इनके पास होते हैं ऑल्फेक्ट्री रिसेप्टर तो ये सूंघ सकते हैं कि कहाँ पर क्या खाना है और क्या नहीं खाना है ठीक है दी इज ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेल्फ फूड एंड नॉन सेल्फ फूड ठीक है ना मुझे मुझे देखो मुझे मेरी आंखें जो होती ना मेरी नाक ठीक मेरी आँख बंद कर दी जाए ठीक है और उसके बाद मुझे बोला जाए चलो आँख बंद करो और बताओ कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है तो इतना तो मेरा दिमाग चलता है ना ऑल्फैक्ट्री रिसेप्टर्स है मेरे पास तो दिमाग बोलता है कि ऑलफेक्ट्री रिसेप्टर को सिग्नल देता है दिमाग कि ये रोटी सब्जी है तुम खा सकती हो ठीक है ये जो है ये तो कुछ और भी चीज़ है जिसकी बदबू है इसको तुम नहीं खा सकती हो तो इसका मतलब ये कि ये जो रिसेप्टर है दे कैन आइडेंटिफाई द कौन सा फ़ूड खाना है और कौन सा फूड नहीं खाना है तो कॉकरोच भी बहुत स्मार्ट है जैसा ऑलफेक्ट्री रिसेप्टर तुम्हारे पास होते हैं विच कैन स्मेल द फूड एंड विच कैन डिटेक्ट द फूड इवन योर आईज आर नॉट ओपन तो ये भी इनके पास ऑलफेक्ट्री रिसेप्टर एंटीना के पास होते तो टिन 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 पता लगाती ये नहीं खाओ ये खाओ ये खाओ ये नहीं खाओ दे आर वेरी फास्ट ठीक है टेक्टाइल रिसेप्टर हैं टेक्टाइल रिसेप्टर का मतलब यह है कि एंटीना जो है टेक्टाइल रिसेप्टर दो चीजों को काम करते हैं देखो क्या क्या काम करते हैं ठीक है दे कैन डिटेक्ट द डिटेक्ट ओह टेक्टाइल रिसेप्टर किसका काम करते हैं दे कैन डिटेक्ट द डिटेक्ट सोर्स ऑफ फूड है सोर्स ऑफ फूड टाइप ऑफ फूड टाइप ऑफ फूड प्लेस ऑफ फूड क्लियर हो गई कहानी तो ऑल्फेक्ट्री रिसेप्टर से तुम जो है सूंघ सकते हो कि क्या अच्छा है कि बुरा है टेक्टाइल रिसेप्टर जो टच में आ जाए इवन अगर तुम कॉकरोच का एंटीना टच कर दोगे ना वो तिल मिला के भागेगा तो टेक्टाइल का मतलब होता है टच रिसेप्टर टेक्टाइल का मतलब क्या होता है बच्चों टच रिसेप्टर तो एंटीना जो है इनका सेंसरी ऑर्गन है एंटीना क्या है इनका सेंसरी ऑर्गन है एंटीना विल डिटेक्ट द टाइप ऑफ फूड सोर्स ऑफ फूड डिटेक्ट द सेल्फ एंड नॉन सेल्फ ऑफ फूड एंटीना इनको बताता है कि भैया दुश्मन आ रहा है खिसक लो यहाँ से एंटीना इनको ये बताता है कि यह स्मेल गंदी है मे बी ये तुमको खा जाए जानवर की खुद की स्मेल होती है सूंघ लो निकल लो यहाँ से ठीक है तो ये हुआ इनके एंटीना के बारे में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जरा ये हो गया एंटीना के बारे में हम ये समझ गए कि एंटीना एक सेंसरी स्ट्रक्चर होता है जो कि फूड ओ, को पता लगाने का काम करता है कि कहाँ पर फूड है ठीक है टच के लिए सेंसिटिव होता है कुछ चीज़ टच हो जाए मतलब कहीं टकरा गए तो डायरेक्शन चेंज कर लेंगे कोई छू दे तो भाग लेना है ये सारी चीज़ें एंटीना डिटेक्ट करते हैं और भी सेंसरी स्ट्रक्चर हैं तो आई से एक सेंसरी स्ट्रक्चर हो गया एंटीना बेस ऑफ एंटीना देख रहे हैं आप ना एक और जो यहाँ इमेज मैंने लगाई थी ये उमा टीडियम है नाउ 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 नौ लुक एट दिस सो ये हो गए ऑसिलस ऑसिलस ये एन का डायग्राम है यह डायग्राम एनसीईआरटी का है ये हो गई अपनी सिंपल आई ये क्या हो गई बच्चों अपनी सिंपल आई ये अपनी हो गई कंपाउंड आईज इतनी बड़ी कंपाउंड आईज है क्यों ठीक है फिर ये हो गया अपना मैक्सिला अच्छा एक चीज़ अब यहां पर आपको थोड़ी सी कहानी समझनी है देखो 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 देखो, देखो। अब मैक्सिला मैग्सिलाब्रम लेबियम ये क्या कहानी है ये इसके बारे में अब हम लोग समझने वाले हैं सो लेट स्टार्ट आधे से अधिक बच्चों बच्चों को बताया किसमें कन्फ्यूजन होता है आधे से अधिक बच्चों को इसके माउथ पार्ट में ही कन्फ्यूजन है ठीक है कोई बात नहीं आज हम वो कन्फ्यूजन भी दूर कर लेंगे लेट स्टार्ट देखो कॉकरोच के माउथ पार्ट में वट यू हैव टू लर्न क्या क्या करना है तुम्हें हालांकि मैंने आपको सारी चीजें समझा दी थी क्या, क्या क्या करना है आपको पढ़ना है लेब्रम ठीक है जो कि होता है इनका अपर लिप लिखते हैं यहाँ पे माउथ पार्ट में आपको क्या पढ़ना है लेब्रम लेब्रम है इनका अपर लिप लेबरम क्या है बच्चों इनका अपर लिप ठीक है उसके बाद वॉट यू हैव टू लर्न यू हैव टू लर्न अबाउट द ले लेबरम के बाद लेबियम लेबियम होता है इनका लोअर लिप ठीक है दिस इज लेबियम ओके ये होता है इनका लोअर लिप उसके बाद वॉट यू हैव टू लर्न लेब्रम लेबियम उसके बाद आपको क्या पढ़ना है मैक्सिला मैक्सिला और मैंडिबल में थोड़ी सी कहानी है इसमें बच्चों ठीक है मैक्सिला और मैंडिबल में कहानी है नॉर्मली ह्यूमन बींग में जो मैक्सिला होता है वो अपर जॉ होता है और मैंडिबल लोअर जो होता है इनके साथ कहानी ऐसी है कि इनका जो मैंडिबल होता है ये इधर की ओर होता है और मैक्सिला इसके पीछे की ओर होता है अब जैसे ही तुम खाना खाते हो ऐसे खाने को ग्राइंड करने का काम करते हैं तो हमें देखना है कि मैक्सिला जो होते हैं वो ऊपर की ओर होते हैं एट द अपर डायरेक्शन ठीक है और जबकि मैक्सिला किस जगह पर आपको दिखाई देंगे, देंगे इस पे लोअर डायरेक्शन पे ठीक है उसके बाद आपको इसमें पढ़ना है हाइपोफेरिंग्स ठीक है हाइपोफेरिंग्स के साथ व्हाट यू हैव टू लर्न आपको पढ़ने हैं पैल्प्स ये सारी चीज़ें आज हम माउथ पार्ट्स में डिस्कस करने वाले हैं ठीक है शुरू करें हम लोग शुरू करें इसके बारे में आ जाइए ये कहानी क्लियर हो गई सबको कि हमको इसमें पढ़ना क्या क्या है ना अब मैं ये सारा मिटा दे रही हूँ चलो आ जाओ देखो अब मैं एक कॉकरोच का डायग्राम बना लूँ ट्रायंगुलर हेड बना लूँ इट इज नॉट एक्जैक्टली ट्रायंगुलर लेट मी मेक द ट्रायंगुलर हेड हैं चलो बना लो हैं बन गया इट इज नॉट गुड लेट इट बी चलो अब खैर मैं इसको ना सीधे सीधे बनाती हूँ आपको समझा देती हूँ मैं अपर लिप देखो इनके ट्राइंगुलर हेड के पास होता है ट्राइंगुलर हेड के पास होता है ये देखना ध्यान से इनके पास होता है एक अपर लिप ठीक है ध्यान से देखना इनके पास इट इज जस्ट अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इनके पास होता है एक अपर लिप ठीक है इनके पास होता है एक लोअर लिप ठीक है एक है अपर लिप और एक है लोअर लिप डन एक है अपर लिप एक है लोअर लिप डन उसके बाद इनके माउथ में ये तो इनकी आंखें हो गई ठीक है ये हो गई इनकी आंखें, ये हो गए इनके एंटीना ठीक है ये हो गई इनके ऑसिलस, खैर आगे बात करेंगे अपर लिप और लोअर लिप अपर लिप का नाम क्या है अपर लिप का नाम क्या है लेबरम लोअर लिप का नाम क्या है बच्चों लेबियम ठीक है लेब्रम और लेबियम ये याद रखना है आपको ठीक है उसके बाद इनके साइड बाय साइड इनके जस्ट पीछे की ओर हालांकि मैं इसको कैसे बनाऊँ यहाँ पे बना देती हूँ इनके जस्ट पीछे की ओर होते हैं इनके मैक्सिला ठीक है इनके मैक्सिला ये पीछे की ओर स्ट्रक्चर है ये ठीक है ये क्या है इनके मैक्सिला ठीक है ये क्या है इनके मैक्सिला और ऐसा एक स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको डेंटिकल वाला दिखाई देगा इट इज ये क्या कहलाता है बच्चों? ओके डन मैंडिबल ये क्या कहलाया अपना मैंडिबल ये तो कुछ और ही बन गया पर समझने की कोशिश करो जरा यहाँ पर हमको जो डायग्राम दिखाया है वहां पर थोड़ा समझने में दिक्कत होगी आपको देखो इनके नॉर्मली हमारा जो कहाँ है जबड़ा कहाँ है मुंह के अंदर की ओर इज एंड इट हमारा जो जबड़ा है वो कहाँ की ओर है बच्चों मुंह के अंदर की ओर पर इनका जबड़ा जो है वो ऐसा साइड बाय साइड इनके जॉ पर ऐसा लगा हुआ है अब खाना जैसे ये खाते हैं तो ये जो मैंडिबल uh, है ये जो मैंडिबल है मैंडिबल का शेप ना ऐसा होता है इट इज लाइक दैट ठीक है मैंडिबल का शेप कैसा होता है ये ऐसा होता है तो जैसे ही इनके बीच से खाना गुजरेगा ना ये ऐसे ऐसे ग्राइंड करते जाएंगे नॉर्मली ग्राइंडिंग का काम इसमें गिजार्ड में है, पर ये ऐसे साइड साइड बाय लगे रहेंगे खाना आता खिच ऐसे, ऐसे, लेंगे, ऐसे, लेंगे, ऐसे लेंगे, है? तो ग्राइंड करने का काम करते हैं तो मैडम मैक्सिला काम क्या है अब आप समझना क्या है मैक्सिला के काम मैक्सिला के पास मैक्सिला के पास से देखना मैक्सिला के पास होते हैं पैल्प्स ठीक है ओके इन पैल्प्स को आप कहते हैं मैक्सिलरी पैल्प्स मैग्जिलरी पैल्प ठीक है मैग्जिलरी पैल्प जो है ये दो नंबर पे होते हैं दो होते हैं ये होते हैं सेंसिटिव मैक्सिलरी पैल्प जो कैसे होते हैं बच्चों सेंसिटिव होते हैं किस चीज के लिए सेंसिटिव होते हैं कहाँ जाना है क्या खाना है क्या नहीं खाना है तो इस चीज को ये डिटेक्ट करने का काम करते हैं ऐसे ही पैल्प ऐसे ही पैल्प आपको लोअर लिप में भी दिखाई देंगे अब लिप तो इनके पास एक ही है तो दोनों लिप में ये जो है तो ये दोनों ही जो पैल्प है ये लोअर लिप में एक साथ होते हैं इनको आप क्या कहते हैं लेबियल पैल्प इनका नाम क्या है लेबियल पैल्प पैल्प समझ में आया व्हाट डू यू मीन बाय पैल्प्स पैल्प्स क्या होते हैं ओह हो तो पैल्प्स क्या होते हैं ध्यान तो है? से देखो व्हाट डू यू मीन बाय पैल्प्स पैल्प्स होते हैं सेंसरी स्ट्रक्चर पैल्प कैसे होते हैं बच्चों ये होते हैं सेंसरी स्ट्रक्चर देखो, diagram, मैंने ये तुम्हारी सोच का डायग्राम है दो आइस जो कि हैं कंपाउंड इनके पास होते हैं दो एंटीना देखो समझ में आने के लिए अभी मैं डायग्राम भी बना रही हूँ तो टेंशन ना लेना तुम लोग बिल्कुल भी समझ में आने के लिए हम डायग्राम कैसा भी बनाए बस हमको समझ में आना चाहिए कि पार्ट कौन कौन से हैं माउथ पार्ट में हम लोगों को क्या दिखा कि हमारे पास मेंडिबल है जो कि एक ग्राइंडिंग स्ट्रक्चर होता है मेंडिबल कैसा स्ट्रक्चर होता है बच्चों मेंडिबल एक ग्राइंडिंग स्ट्रक्चर है व्हाट इज अ मेंडिबल मेंडिबल एक ग्राइंडिंग स्ट्रक्चर है ठीक है इसके पास क्या होते हैं इसके पास होते हैं डेंटिकल्स डेंटिकल्स ठीक है देंटिकल्स. देंटिकल्स, ये ये कैसे होते ये भी काईटीनियस होते होते भी के बने होते, करने का काम करते हैं उसके बाद आया मैक्सिला इज फॉर सेंसेशन नॉर्मली अपर जॉ मैंडेबल इज लोअर जॉ यहाँ कहानी दूसरी है यहाँबल यहाँ पर इसके पीछे है मैक्सिला ठीक है सेंसरी स्ट्रक्चर जो हमको ये बताता है कि कॉकरोच को कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है मेरी बात समझ गए आप ये हमको ये हमको बताता है कि को किस जगह पर जाना है कहां रहना है क्या खाना है ये सब चीजें आप कहते हैं लेबियल पैल्प इसका मतलब ये जा रहे हैं भागे जा रहे हैं भागे जा रहे, रहे हैं ठीक है अब इनका मुंह ऐसा है तो इनका लोअर लिप कहां पर आएगा ऐसा आएगा ठीक है तो जैसे ये फूड पर टच करेंगे इनके पैल्प जाएंगे कि इसको अपन खा सकते हैं तो इसके इनके पैरों में भी ऐसे रिसेप्टर होते हैं इनके एंटीना में भी ऐसे रिसेप्टर होते हैं इनके पास पैल्बस होते हैं मतलब इनके पास इतने सेंसरी स्ट्रक्चर होते हैं कि तुम नहीं तो कोई और सही कोई और नहीं तो कोई और सही तो ये कहीं ना कहीं से ये पता लगा लेते हैं कि इनको क्या खाना है कहाँ जाना है कौन सा इन्वायरमेंट इनके लिए अच्छा है कौन सा इन्वायरमेंट इनके लिए अच्छा नहीं है इसलिए यह सदियों से ना चेंज होने वाले ऑर्गेनिज्म है क्योंकि इनको जरूरत ही नहीं है बिकॉज दे हैव सो मेनी प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर इन टू इट ठीक है ये कहानी क्लियर हो गई सबको नाउ अब हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी का डायग्राम क्या कहता है हमसे देखो ये स्ट्रक्चर पहचानने के लिए आ सकता है मैं पहले बार बार आपको कह रही हूँ पहचानने के लिए आ सकता है ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये है एंटीना क्या है ये एंटीना ऑसिलस क्या है सिंपल आई है कंपाउंड आइज हमने पढ़ ली मैगजिला देखो पीछे की ओर दिखाई दे रहा है दिस इज द मैगजिला ये मैग्जिला दिखाई दे रहा है इससे पेल्प बाहर निकल रहे हैं ये एक पैल्प है ठीक है और ये दूसरा पैल्प है ये इनका लोअर लिप है ये इनका लोअर लिप है ये एक पैल्प हो गया और इसका पीछे एक और पैल्प आ, ये लेबरम है सॉरी इट इज नॉट लेबरम डू नॉट हैव पैल्प लेबियम के पास होते हैं पैल्प ओके यहाँ पर देखो बहुत ही क्लियर दिखाई दिया है देखो लेबरम कैसे बनाया है लेबरम बनाया है ऐसे दिस इज अबरम ये क्या हो गया इनका लेबरम ठीक है इसी के जैसा आपको क्या बनाना है लेबियम लेबियबरम के बाद आपको क्या बनाना है लेबियम ठीक है लेबियम इनने कैसा बनाया है लेबियम इन ने लोअर लिप को ऐसा बनाया है ठीक है इसके ऊपर एक पैल्प बना दो आप लेबियम के ऊपर पैल्प बना दो ठीक है ये बन गया इनका पैल्प ठीक है लेबरम हो गया ये हो गया इनका पैल्प और ये हो गया लेबियम लेबियम इज़ द लोअर लिप डन ठीक है अब ये बाकी सब छोड़ो ये ग्लॉस ऑफ ब्लॉस ऑफ मैंटामेंटम सब छोड़ो अभी अपन बात करते हैं किसकी अभी अपन किसकी बात कर रहे हैं अब अपन बात कर रहे हैं मैक्सिला मैक्सिला को हमने बनाया ऐसा ठीक है मैक्सिला को बनाओ ऐसा This is like maxilla. Maxilla से भी निकालो एक पैल्प ठीक ये? ये okay, तो है ठीक है ये, ये कहानी क्लियर हो गई लुके दिस लेब्रम ठीक लेब्रम अपर लिप मेंडिबल ग्राइंडिंग स्ट्रक्चर मैक्सिला विद द पैल्प ठीक है उसके बाद लेबियम लेबियम कैसा होता है लेबियम जिसके पास पैल्प होते हैं तो हाउ मेनी पैल्प माउथ पार्ट है पैल्प है चार पैल्प है दो मैंडिबल के पास और दो लेबियम के पास डन तो ये हो गया मैगजिला हा 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 ये लेब्रम हो गया ये लेबियम हो गया ये मैक्सिला हो गया ये मैंडिबल हो गया मैंडिबल ओके अब इनके पास एक टंग लाइक -like स्ट्रक्चर होता है इट इज लाइक दैस दिस ठीक है इसको आप कहते हैं हाइपोफेरिंग्स इसे आप क्या कहते हैं हाइपो, ठीक है? हाइपो जो है, इसको हम टंग भी कह सकते हैं इसकी क्या कह सकते हैं टंग ओके तो ये टंग की तरह बिहेव करता है ठीक इट इज द हाइपोफेरिंग्स ओके तो आपको जितने मैंने बनाए ऐसे ही बना के आपको समझना है हमेशा ये याद रखो कि किसी चीज से कोई चीज निकली है तो ये क्या है ये है आपका अगर आपको ऐसा पॉइंटेड स्ट्रक्चर एनसीआर का दिया है और ऐसी कोई चीज़ निकली हुई बनाई हुई है तो ये मैग्जिला है दांत वाला बनाया है तो मैंडिबल है ऐसा बनाया है तो ये है हाइपोफेरिंग्स ठीक है और अगर ऐसा बनाया है और इससे पैल्प निकाल रहे हैं तो यह है लेबियम और ऐसा बनाया है और कुछ नहीं निकला है तो यह है लेबरम ठीक है एनसीईआरटी का ये डायग्राम आपको पहचानने के लिए आ सकता है ठीक है पहचानिए पहचान कौन लेबरम क्या है लेबियम क्या है मैक्सिला क्या है मेंडिबल क्या है ये हमें समझना है तो इसका मतलब ये कि माउथ पार्ट में भी सेंसरी स्ट्रक्चर होते हैं जो कि मैक्सिला और लेबियम जो कि लोअर लिप होता है उसमें पाए जाते हैं एज अ पैल्प ठीक है चलिए अब हम लोग बात करते हैं किसकी ये थोड़ा सा मैं सफाई कर दू इसकी हम्म 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 ये समझ गए ना आप ये समझाने के लिए था बस इसमें बाकी कुछ नहीं था ये याद रखना स्ट्रक्चर डन ओके नाउ अब हम बात कर रहे हैं हैं किस चीज की आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर हो गया पार्ट सबको क्लियर हो गया डन नाउ लेट स्टार्ट विद द थोरक्स अब मैं फिर से पीछे वाले डायग्राम्स में आ रही हूं ध्यान से देखना बच्चों आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ हाँ तो यहाँ पे भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा देखो लेबरम अपर लिप के पास जो है ना कोई भी पैल्प वगैरह नहीं है ये देखो ये एरिया व्हाइट कलर ले लेती हूँ इसके पास कोई भी कुछ भी नहीं है देखो ठीक है पर लेबियम के पास ये देखो पीछे वाला स्ट्रक्चर देखेंगे ये है लेबियम ठीक है दिस इज द लेबियम दिस इज द लेबियम लेबियम से निकल रहा है एक पैल्प ठीक है लेबियम से पैल्प आपको निकलता हुआ दिखाई देगा ठीक है उसके बाद मैक्सिला और मैंडिबल ये है मैक्सिला ठीक है और ये है मैंडिबल मैक्सिला से पैल्प आपको ये एक पैल्प हो गया ये एक पैल्प हो गया लेबियम का पैल्प एक ये हो गया एक ये हो गया ठीक है तो पैल्प तो आपको दोनों में दिखाई देंगे अच्छा यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है थोड़ा अजीब गरीब है पर आपको क्या करना है यार आपको मैंने ट्रिक बता जाएगा यही तो आते हैं parts, आपके में भी से नहीं दिया हुआ है। जितना दिया हुआ है वो मैं आपको बता दी इसके अलावा कोई सवाल नहीं आता ये याद रखना आपने को ठीक है नाउ वेयर वी आर हियर वी आर हियर वी आर हियर वी आर लिसन टू मी वेरी केयरफुली एक कॉकरोच के डायग्राम में हमने ये सीखा था कि इनके जो पार्ट होते हैं जो ऊपर का पार्ट होता है ये कहलाता है वाला पार्ट। अब हम हेड बनाते हैं अपन ठीक है प्रोनोटम मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था आप वाला लेक्चर लगाइएगा प्रोनोटम क्या होता है इट इज नथिंग

ओके okay. एक सेगमेंट ये हो गया थोड़ा बहुत ही छोटा बन रही है लेट मी मेक एक सेगमेंट ये हो गया दूसरा सेगमेंट ये हो गया तीसरा सेगमेंट ये हो गया नाउ इन सेगमेंट से मैं ड्रॉ करेंगी एबडोमिन को ठीक लेट मी ड्रॉ द एबडोमिन चलिए ड्रॉ करते हैं एबडोमिन को थोड़ा और सफाई कर लें इसकी ओके चलिए शुरू कर रहे हैं अपन तो ये हो गया अपना हेड हेड हैज द फ्लेक्सिबल नेक मैं बिल्कुल छोटा सा ड्रॉ कर रही हूँ आइज ठीक है ओके एंटीना बना देते हैं इसको ये हो गई आईज ठीक है दिज आर द आईज ओके okay, ये हो गया एंटीना ओके okay. नाउ अब ये हो गया इनका थोरेसिक पार्ट सिक्स सेवन एट नाइन टेन सेम विद दिस वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स टेन ठीक है चलिए अब हम हालांकि कुछ और ही दिख रहा है पर अभी अपने को जो बात करनी है वो ध्यान से समझो है यह है फर्स्ट सेगमेंट थॉरैक्स का यह है थर्ड ये सेकेंड uh, यह है थर्ड ये कौन से सेगमेंट है ये तो अपना हो गया हेड हेड के बाद हेड पूरा हो गया हमारा हेड ख़त्म कर लिया हमने हेड में सब पढ़ लिया आई पढ़ ली हेड का एंटीनर पढ़ लिया हेड का माउथ पार्ट्स पढ़ लिए सब पढ़ लिया नाउ ये वाला जो पार्ट है इसको आप कहते हैं थॉरिक्स ये क्या कहलाता है बच्चों थॉरिक्स अब ये वाला जो फर्स्ट पार्ट है इसको आप कहते हैं इसे आप क्योंकि ये सबसे पहले है इसीलिए आप इसको क्या कहते हैं इसीलिए आप इसको कहते हैं प्रोथोरिक्स ठीक है ओके ओहो। ये वाला पार्ट थोरेक्स इधर लिख देती हूं यहां पे लेबल कर देती हूं ठीक है फर्स्ट वाला पार्ट इसको भी मिटाना पड़ेगा थोड़ा जगह चाहिए मुझे ओके ये वाला पार्ट क्या है बच्चों प्रोथोरेक्स प्रोथोरिक्स ये वाला पार्ट क्या है मीजोथॉरिक्स ये वाला पार्ट क्या है मैटाथोरिक्स ओके डन सो कॉकरोच हैज थ्री थोरेसिक सेगमेंट रिस्पेक्टिवली आर कॉल्ड एज प्रोथोरिक्स मीजोथॉरिक्स एंड मेटाथोरिक्स ये कल पढ़ा था हम लोगों ने डन सो थ जो होता है ये जो है जस्ट uh, नेक के बाद दिस इज द नेक हाँ ये हेड हो गया ये नेक वाला पार्ट है नेक के नीचे वी हैव थ्री सेगमेंट विच इज कॉल्ड एज थोरेसिक सेगमेंट तीन सेगमेंट होते हैं तीनों थोरेसिक सेगमेंट जो है पहला वाला प्रोथोरेसिक प्रोथोरेसिक ही प्रोनोटम बनाता है मीजोनोटम मेटानोटम पर रिलेटेड भी हमको प्रोनोटम के बारे में जानना था मीजोथोरिक्स और मेटाथोरिक्स नाउ कहानी ये है कि प्रोथोरिक्स मेटाथोरिक्स और मीजोथोरिक्स से कुछ चीज़ें निकलती हैं जैसे कि देखिए क्या जैसे कि देखिए क्या बना रही हूँ मैं एक हेड बना लो आप ठीक है इससे नेक निकाल लो हालांकि मैं उसी डायग्राम में बता सकती हूँ इज़न इट? मैं ये वाले डायग्राम में भी बता सकती हूँ आपको आ जाओ आ जाओ आ जाओ ओके okay. ना hmm. ये अब आप देखो तीनों थोरेसिक सेगमेंट में ये जो तीन थोरेसिक सेगमेंट मैंने कलर वाले बनाए थे ये एक थोरेसिक सेगमेंट हो गया ये दूसरा थोरेसिक सेगमेंट हो गया और ये तीसरा थोरेसिक सेगमेंट हो गया ओके okay. तीनों तरह से सेगमेंट से एक एक पेयर लेग्स बाहर आते हैं एक पेयर लगीए एक पेयर लगीए दूसरे कलर से बनाओ है ना एक पेयर लगीए एक पेयर लगीए एक पेयर लगी एक पेयर लगी अब आते हैं अपने वाले डायग्राम में ओके okay. कहाँ गया कहाँ गए कहाँ हो तुम कहाँ हो तुम आ जाओ जल्दी मेरे पास ये आ गया अब यहाँ पर ये यह समझ में आ गया सबको प्रोथोरेक्स मिजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स अब मैं कहानी थोड़ी बदल बदल रही हूँ ये मैं मिटाऊंगी ठीक है ध्यान से देखना ये हो गया प्रोथोरेक्स मीटो मीजोथोरैक्स और मेटाथोरेक्स ओके okay? ये अब मैं क्लियर कर रही हूँ नाउ अब ध्यान से समझना ठीक है इन तीनों सेगमेंट से इन तीनों सेगमेंट से हमारे पास बाहर आते हैं लेग्स ठीक है हमारे पास क्या आते हैं बच्चों लेग्स बाहर आते हैं ठीक है थीके? इन तीनों सेगमेंट से हमारे पास बाहर आएंगे लेग्स ठीक है तो कॉकरोच हाउ मेनी ऑफ तीन थोड़े सिक्स सेगमेंट हैं, तो तीन पेयर ऑफ लेग रहेंगे तो एक कॉकरोच में कितना पैर है छह ठीक है तो पैर बना लो जरा सा अब पैर बनाओ जरा दो ठीक है ये पैर की कहानी क्या है ना ये अभी आप समझोगे थोड़ी देर में ओके ये पैर की कहानी थोड़ी देर बाद आप समझोगे ओके ये बन गया ओके ये राक्षस ज्यादा लग रहा है कॉकरोच तो लग नहीं रहा है पर भी, हर सेगमेंट से एक पैर पैर बाहर आता है ठीक है और इनके पास विंग्स भी होते हैं तो थोरैक्स के बेसिकली तीन हिस्से हैं पर अभी इस स्लाइड में हमको यही समझना है कि थोरैक्स के तीन हिस्से हैं एक है प्रोथोरिक्स एक है मीजोथॉरिक्स ओके और एक है मेटाथॉरिक क्स ठीक है तीन हिस्से हैं थॉरक्स के प्रोथॉरिक्स मीजोथोरिक्स और मेटाथोरिक्स बस इस स्लाइड में भी इतना ही समझना है आइए अब प्रोथोरिक्स मीजोथॉरिक्स मेटाथोरिक्स से हम लोग शुरू करेंगे विंग्स के बारे में किसके बारे में विंग्स के बारे में चलो शुरू करते हैं विंग्स के बारे में तो चलो विंग्स के बारे में अपन लोग ड्रॉ करना शुरू करते हैं सबसे पहले एक ट्राइंगर हेड बना लेते हैं हालांकि विंग्स को ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है पर ठीक है अब आए हो तो देख ही लो क्या है ठीक चलो शुरू हो जाते हैं तो ये हो गया अपना पहला थोड़ा सा सेगमेंट ये दूसरा हो गया ये तीसरा हो गया एबडामिनल सेगमेंट बना लेते हैं आ जाओ थोड़ा सा एबडामिन के बारे में बात करना है ना अपने को पर हालांकि अभी एबडामिन की ज़रूरत नहीं है सो लेटेड भी अगर एबडामन अभी नहीं भी बनेगा तो कोई टेंशन नहीं है पर बना लो अब ठीक है कोई दिक्कत नहीं है चलिए एबडाम बना लेते हैं अपन लोग फटाफट से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और टेन सेगमेंट यहाँ पे भी ऐसे ही बना लो गिनने की ज़रूरत नहीं है रैंडमली बना सकते हैं अभी ठीक चलिए अब ये देख कुछ और ही रहा है बट लेट इट बी यहाँ पर एक दो किडनी शेप की आंखें बना लीजिए इनकी ठीक है दो एंटीना यहाँ से बाहर निकाल दीजिए इनके ठीक और क्या बना ले लिप्स बना लेते हैं बहुत खुश है ये कॉकरोच आज अब हमारे पास कितने पेयर विंग्स हैं बेटा हमारे पास दो पेयर विंग्स हैं कितने पेयर विंग्स हैं वी हैव टू पेयर ऑफ विंग्स ओके okay? एक है विंग्स के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे हम लोग अभी विंग्स दो पेयर हैं एक है अपना थोड़ा इसका थिकनेस बढ़ा लूँ ठीक है एक पेयर ऑफ विंग्स जो है इसको आप कहते हैं फोर विंग क्या कहते हैं बच्चों इसको हम लोग फोर विंग्स ठीक है और दो दूसरा जो है उसको कहते हैं अपन हेंड विंग्स ठीक है ओके ध्यान से देखते जाइएगा आप लोग इनके नंबर कितने हैं दो दो हैं ओके पर कहानी यह है कि कोई भी विंग कोई भी विंग जो है वो एबडॉमिनल सेगमेंट से नहीं बाहर निकलता समझ में आई ये कल भी अपन लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी विंग जो है वो एबडामिनल सेगमेंट से बाहर नहीं निकलता ओके विंग तो भैया थोरेसिक सेगमेंट से ही बाहर निकलते हैं ये है थोरेसिक सेगमेंट अपने विंग जो है इन्हीं सेगमेंट से बाहर निकलेंगे प्लीज ऑलवेज रिमेंबर दिस बच्चो ठीक है तो सबसे पहले लेट मी ड्रॉ द फोर विंग ठीक है तो फोर विंग जो है ये कहां से बाहर निकलता है पता आपको फोर विंग बाहर निकलता है आपके सेकेंड थोरेसिक सेगमेंट से ठीक है अब सेकेंड थोरेसिक सेगमेंट का नाम क्या था भैया मीजो यही था और ऊपर वाले थोरेसिक सेगमेंट का नाम क्या था प्रोथोरक्स मीजो -्थौरेक्स और प्रोथोरक्स क्योंकि ये से बाहर निकल रहा है इसलिए इस विंग का नाम क्या होगा इसलिए इस विंग का नाम होगा बच्चों मीजो थोरेसिक विंग ठीक है हाँ तो इसका नाम क्या होगा इसका नाम होगा मीजोथोरेसिक विंग ठीक है लिख लेते हैं सिक विंग ठीक है इसका नाम हो गया मीजोथोरेसिक विंग विंग्स दो होंगे ठीक अब इसके बारे में बात करते हैं लेट मी कलर क्यों करना है इसका कलर तो ये हो गया मीजो अभी विंग्स के बारे में बाद में, में डिस्कस करेंगे ये है मीजोथोरेसिक विंग इसमें मैं ब्राउन कलर से इसके थोड़े से वो बना देती हूँ विंग्स में अगर आप ऐसा देखते होंगे ठीक दूसरा जो पेयर विंग है वो छोटा सा विंग है पिद्दू सा विंग है प्यारा सा विंग है बहुत ही सुंदर सा विंग है और ये निकलता है आपके थर्ड वाले सेगमेंट से और इसे हम कहते हैं मेटाथोरेसिक विंग क्या कहते हैं हम लोग इसे मेटाथोरेसिक विंग लेट मी कलर दिस येलो येलो कलर कर दें चलो येलो कलर कर देती हूँ इसको मैं थोड़ा सा आई लव कलरिंग ये वाले बोर्ड में कलर का ऑप्शन उतना ज़्यादा नहीं है उसमें सही रहता है जब हम लोग उसमें पढ़ते हैं ना ठीक है कभी कभी इस पर पढ़ लेना चाहिए चलिए तो ये कौन सा विंग हो गया कहाँ से निकल रहा है थर्ड वाले से थर्ड वाले सेगमेंट का नाम क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों ओह थर्ड वाले सेगमेंट का नाम होता है अपना मेटाथोरेसिक विंग ये थर्ड वाला थर्ड वाला कौन सा से सेगमेंट होता है मेटाथोरेक्स होता है ना दिस इज मेटाथोरेक्स ये क्या कहलाता है अपना मेटाथोरेक्स ठीक है मेटाथोरेक्स से जो विंग निकलेगा उसका नाम क्या होगा उसका नाम होगा मेटा मेटाथोरेसिक विंग ठीक है उसका नाम क्या होगा मेटा मेटाथोरेसिक विंग्स ठीक है तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ विंग बच्चों एक होता है मीजोथोरेसिक विंग और एक होता है मेटाथोरेसिक विंग दोनों का नंबर दो है ये भी दो होते हैं और ये भी दो होते हैं ये कहानी क्लियर हो गई कि वी हैव टू टाइप्स ऑफ विंग्स नाउ आई विल एक्सप्लेन यू मोर अबाउट द विंग्स लेट स्टार्ट ठीक है शुरू कर रहे हैं हम लोग ध्यान से देखते जाना बस क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ी सी चीज़ें समझनी पड़ेगी mm -mm -mm -mm. सबसे पहले विल स्टार्ट विद द मेटाथोरेसिक विंग नहीं मीजो लिखें क्या मीजो लिख लेते हैं पहले ठीक है मीजोथोरेसिक विंग थोरेसिक विंग लेट स्टार्ट मीजोथोरेसिक विंग मीजोथोरेसिक विंग्स मीजो विंग जो होते हैं ध्यान से समझना मीजोथोरेसिक जो विंग्स होते हैं इनको आप क्या कहते हो इनको हम कहते हैं फोर विंग विंग को हम क्या कहते हैं फोर विंग ठीक है ये लार्जर साइज के होते हैं कैसे होते हैं लार्जर इन साइज ध्यान से लिखते लिखते भी जाइएगा लार्जर साइज के होते हैं ये ठीक इनका कोई मतलब नहीं है नो फंक्शन इन फ्लाइट बच्चों नो फंक्शन इन फ्लाइट ठीक है आई होप कि मेरी हैंडराइटिंग सबको क्लियर हो रही होगी इनका कोई फंक्शन नहीं उड़ने में बेटा है. ये उड़ते उड़ते नहीं है ओके कलर कैसा होता है ये होते हैं ओपेक ठीक है और ब्राउन कलर के ब्राउन कलर के होते हैं ठीक तो ना तो इनका उड़ने में काम है ब्राउन कलर के हैं तो काम क्या है तो काय के लिए हैं देखो ये इनका अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो व्हाट इज द एग्जैक्ट फंक्शन ऑफ फोर विंग इनका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन दैट्स इट इनका एक ही फंक्शन है प्रोटेक्शन किसका प्रोटेक्शन करना प्रोटेक्शन ऑफ हिंग विंग ठीक है हिंड विंग जो है उसका प्रोटेक्शन करना ये बात सबको क्लियर हो गई मेटा मीजो थोरेसिक विंग सेकेंड थोरेक्स के सेगमेंट से निकलते हैं लार्जर इन साइज होते हैं ब्राउन कलर के होते हैं और इवन दे कवर दे कवर दे कवर हिंड विंग्स हिंड विंग्स टोटली विंग्स टोटली एट द रेस्ट एट रेस्ट ये क्लियर हो गई सबको बात कि ये जो विंग्स होते हैं ये रेस्ट के समय हिंड विंग्स को टोटली कवर कर लेते हैं मतलब ये इतने बड़े बड़े होते हैं कि जब आ, क्या कहते हैं कॉकरोच रेस्ट पे रहेगा तो ये पूरा हिंड विंग को ढक लेंगे ठीक है आगे बात करेंगे हम लोग किस विंग के बारे में नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कौन सा कलर लूँ बताओ पिंक पिंक विजिबल है क्या हाँ पिंक विजिबल है सो so, अब हम बात करेंगे किसकी अब हम बात कर रहे हैं बच्चों मेटाथोरेसिक विंग की लेट्स टॉक अबाउट द मेटाथोरेसिक विंग क्या होता है मेटाथोरेसिक विंग देखिए मेटाथोरेसिक विंग का दूसरा नाम होता है हिंड विंग ठीक है थोड़ा सा कलर ले कौन सा कलर लूँ कोई और कलर लेते हैं ना ये ले लेते हैं ये भी ब्लू ही हो जाएगा अपन ले लेते हैं ऑरेंज लेट स्टार्ट ओके ये जो विंग होते हैं इनको आप कहते हैं हिंड विंग कौन सा विंग कहते हैं हम लोग इसको हिंड विंग ठीक है दीज आर द विंग्स फॉर फ्लाइट ठीक है ये कैसे विंग्स हैं दे आर विंग्स फॉर फ्लाइट ये जो विंग्स होते हैं ये फ्लाइट में या उड़ने में काम करते हैं ठीक ओके ये होते हैं स्मॉल ये होते हैं ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट बोल दो या होंगे तो बहुत ही लाइट इन कलर ट्रांसपेरेंट होंगे या लाइट इन कलर ओके इनकी फ्लाइट मसल जो होती हैं क्योंकि ये फ्लाइट करने का काम कर रहे हैं तो इनकी जो फ्लाइट मसल होगी वो इनके बेस पर होगी फ्लाइट मसल एट द बेस ऑफ ऑफ विंग सब क्लियर हो गया नोट्स बन गए आप लोगों के विंग्स के सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ विंग्स मीजोथोरैसिक एंड मेटाथोरेसिक देर इज नो विंग्स जो एबडोमिन से बाहर आए सो वी हैव टू पेयर्स ऑफ विंग एंड थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स लेग्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे प्रोथोरिक्स से कोई विंग बाहर नहीं आता सबसे पहला विंग है मीजोथोरेसिक विंग जो मीजोथोरेक्स से बाहर आता है बड़े होते हैं लैंडिंग में हेल्प करते हैं प्रोटेक्शन करते हैं उड़ने में इनका कोई काम नहीं है उड़ने में मेटाथोरेक्स से विंग का काम होता है ये स्मॉलर इन साइज होते हैं आ, जो विंग्स की मसल जो उड़ने के लिए जो मसल चाहिए इनको ये इनके बेस पर प्रेजेंट होती है दैट्स इट इतना ही पढ़ना है आपको इसमें चलिए देख लीजिए सो आपको क्लियर हो गया कौन कहाँ पर होता है छोटा होता है बड़ा होता है देखिए क्लियर हो गया सबको अब हम बात करते हैं तो इसका आपने नोट्स बना लिया इसका नोट्स बना लिया चलो अब अपन बात करते हैं बच्चों लेग्स की ठीक है नाउ लेट मी टॉक अबाउट द लेग्स लेग्स के बारे में बात करते हैं लेग्स ये देखो आप अगर देखो थॉरिक्स के तीन सेगमेंट मैंने आपको बताए थे प्रोथॉरिक्स मीजो एंड मेटाथॉरिक्स ठीक है यहाँ पर मैंने विंग्स नहीं बनाए हैं पर अगर आप तुम चाहते हो कि मैं विंग्स बना दूँ तो मैं यहाँ पे विंग्स भी बना देती हूँ चलो दो दूसरे सेगमेंट से एक बड़ा सा विंग्स बाहर आता है ना ऐसे करके ये देखो ये ये जो जब कॉकरोच रेस्ट पे होता है तो ऐसा एक विंग बाहर आता है बच्चों ये कौन सा विंग है ये है विंग जो कॉकरोच को पूरी तरीके से ढके हुए रहता है देन हाउ हाउ मेनी मेनी पेयर 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 कॉकरोच कॉकरोच ऑफ लेग्स वी हैव गिनती करो एक ये ये हो गया इसका पेर, ये दूसरा पेयर हो गया ये तीसरा पेयर हो गया सो वी हैव थ्री पेयर्स ऑफ लेग जो कि थॉरेक्स के तीनों सेगमेंट से बाहर आते हैं ठीक और लेग्स के बारे में और डिस्कस करते हैं चलो ये देखो विंग्स देख लो ये देखो Now, देखो क्या कै, कैसा दिख रहा है ये कैसा दिख रहा है नीचे वाला विंग कैसा दिख रहा है आपको ट्रांसपेरेंट बच्चों ये वाला विंग आपको कैसा दिखाई दे रहा है ये आपको ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रहा है बहुत ही लाइट कलर का जबकि ये विंग आपको कैसा दिखाई दे रहा है ब्राउन कलर का दिखाई दे रहा है ये वाला विंग कौन सा है मीजोथोरेसिक और ये वाला है मेटाथोरेसिक ठीक है जब कॉकरोच रेस्ट पे रहता है तो मेटाथोरेसिक विंग्स उसको इस तरीके से पूरा कवर किए रहते हैं अगर आप ये वाली स्लाइड देखें तो मैंने बनाया है कि इस तरीके से पूरा कवर करके रखते हैं ठीक है इतनी क्लियर हो गई सबको बात कुछ कठिन नहीं है कुछ नहीं कठिन है कोई रोएगा नहीं है अभी तो फिर अभी तो कहानी शुरू हुई है ठीक है अभी तो पार्टी होगी बहुत भयंकर ठीक है तो अपने को जो है काम करते जाना है बिल्कुल ध्यान सुनना है सो so, लेग्स के बारे में हम लोग बात करेंगे लेग्स के बारे में अच्छी तरीके से डिस्कशन करेंगे क्योंकि नीट में लेग्स का डायग्राम आ जाता है ठीक है लेग्स को बना देगा ऐसा लेग्स आप लेबल करिए ऐसा लेग्स जो है ऐसा लेग्स को बना देगा और आपको फिर बताना पड़ेगा कि लेग्स लेबल क्या है कौन सा है आपको ए बी सी करके पूछा जा सकता है कि ए का नाम क्या है बी का नाम क्या है सी का नाम क्या है सो so, आज हम लेग्स के बारे में अच्छी तरीके से बात करेंगे हालांकि मैंने यहाँ पे एक लेग्स का इमेज लगा रखा है तो आप कोई टेंशन ना लेना आपको लेग्स के बारे में मैं खुद भी बना के बताऊंगी नाउ लेट स्टार्ट हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेग्स कॉकरोच कॉकरोच हैज़ थ्री पेयर ऑफ पेयर्स ऑफ लेग्स ठीक है कॉकरोच के पास तीन पेयर ऑफ लेग्स होते हैं ठीक है ओके थ्री पेयर ऑफ लेग होते हैं तीन पेयर्स ऑफ लेग जो है ये कहां से बाहर आते हैं ठीक है एराइजेस एराइजेस फ्रॉम द फ्रॉम द ईच थोरेसिक सेगमेंट कहां से बाहर आते हैं हर थोरेसिक सेगमेंट से बाहर आते हैं ठीक है इसका मतलब ये कि प्रोथोरेक्स एक पेयर लेग है मीजोथोरेक्स से एक पेयर लेग है और मेटाथोरिक से एक पेयर लेग है ठीक है सो प्रोथोरिक्स से जो बाहर आता है उसको कहते हैं प्रोथोरेसिक लेग और मीजोथोरिक्स से जो लेग बाहर आता है उसको कहते हैं मेटाथोरे मीजोथोरेसिक लेग और जो लास्ट से आता है उसको कहते हैं मेटाथोरेसिक लेग लिख लें सो कौन कौन से लेग्स हैं हमारे पास हमारे पास हैं यहाँ से लिखती हूँ ठीक है चलिए देखते हैं हमारे पास है सबसे पहले प्रोथोरासिक लेग ठीक है प्रोथोरेसिक लेग ठीक है फिर है हमारे पास मीजोथोरासिक लेग ओके मीजोथोरासिक लेग और फिर हमारे पास है मेटाथोरासिक लेग देखो कॉकरोच ना बहुत आसान है बहुत ही आसान है कितना आसान है देखो कुछ है ही नहीं फटाफट से इतने इतने पॉइंट्स के नोट्स बनवा रही हूँ तुम्हें लिखते जाओ कॉपी में इसके अलावा थोड़ी कुछ आने वाला है तो वी हैव थ्री पेयर्स ऑफ लेग प्रोथोरेसिक लेग मीजोथोरेसिक लेग और मेटाथोरेसिक लेग ठीक है ये कहानी क्लियर हो गई सबको ठीक और ये तीनों पेयर जो लेग्स होते हैं ये वेंट्रल साइड से बाहर आते हैं कॉकरोच के तीनों पेयर ऑफ लेग्स जो होते हैं अराइजेस फ्रॉम द वेंट्रल साइड ऑफ कॉकरोच ठीक है अराइजेज फ्रॉम द वेंट्रल साइड ठीक है वेंट्रल साइड ऑफ द कॉकरोच ठीक है ये याद रखिएगा कि ये वेंट्रल साइड से बाहर आते हैं देखिए वेंट्रल साइड क्या होता है बेटा ये जो पेट वाला हिस्सा जब कॉकरोच को पे लोग पट और पलटा देते हैं तो कॉकरोच ऐसे 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 पैर हिलाता है कि नहीं हिलाता तो ये वाला साइड होता है वेंट्रल और पीठ वाली साइड होती है डॉर्सल दिखा देती हूँ आप लोग टेंशन ना लो हम मैं उसका इमेज लेके आई हूँ लोके दिस ठीक है ना लोके दिस तो जब आप कॉकरोच को पलटा देते हैं तो कितने पैर लिख दिख रहे लेग दिख रहा है कि ये दिख रहा है ना ये प्रोथोरेसिक ये मीजोथोरेसिक मैटाथोरेसिक ठीक है कोई दिक्कत ये अब सेगमेंट है ये थोरेसिक सेगमेंट है ये इसका हेड है ये इसका एंटीना है ये सारी चीजें हम लोग को पहले ही क्लियर थी अब आगे बात करते हैं अपन लोग चलिए लेग का डायग्राम शुरू करें क्या लेग्स सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए कि लेग्स करता क्या है वट इज अ फंक्शन ऑफ लेग बताइए लेग्स जो है इनको वॉकिंग करने में मदद करता है हैं लेग्स इनको रनिंग करने में मदद करता है ठीक है और क्या करता है रलेक्स इनको टेस्टिंग ऑफ फूड भी करवाता है टेस्टिंग ऑफ फूड पता है ध्यान से समझना इनके लेग के पास होता है गैस्टेटो रिसेप्टर्स ये ऐसा ठीक है इनके लेग के पास होता है गैस्टेटो रिसेप्टर लिखूं यहां पे तो इनके लेग के पास क्या है गैस्टेटो रिसेप्टर ठीक है इनके लेग के पास होता है गैस्टेटो रिसेप्टर गैस्टेटो रिसेप्टर को बच्चों हम लोग कहते हैं टेस्ट रिसेप्टर ठीक है टेस्ट रिसेप्टर तो ये क्या करते हैं पता तुमको माउथ से तो टेस्ट ले ही सकते हैं ठीक है साथ ही साथ ये पैरों से भी टेस्ट ले सकते हैं बिकॉज दे हैव टेस्ट रिसेप्टर इन टू देयर लेग्स तो ये दौड़ते 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 क्या दौड़ते दौड़ते क्या करते हैं किसी भी खाने वाली चीज़ के कॉन्टेक्ट में आते हैं ना किसी भी खाने वाली चीज़ के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो उसको समझ में आ जाता है कि ये खाने वाला है कि खाने वाला नहीं है ठीक है तो ये हो ठीक है तो ये रनिंग के वॉकिंग के और किसी भी चीज़ को पकड़ने के और आ, क्या कहते हैं तैरने के और टेस्टिंग ऑफ फूड का काम करते हैं लेग्स ठीक है ना अब हम लोग बात करते हैं लेग्स होते कैसे हैं इनके हालांकि ये आपके एनसीआर में नहीं दिया है बच्चों बट ये आपके एग्जाम में आ सकता है मैं बोल रही हूँ ये पूछा जा सकता है ठीक है सो आई एम नॉट वेरी गुड इन द मेकिंग ऑफ लेग बट लेट इट बी आई एम ट्राइंग चलो देखते हैं ये वाला पोर्शन ठीक है ये देखिए ओके आ, जो कॉकरोच का लेग है उसके कुछ हिस्से हैं ठीक है ठेके? कुछ चार पांच हिस्से हैं आइए देखें वो क्या होते हैं उन लेग्स के हिस्सों को पढ़ना बड़ा ज़रूरी है ना अलग अलग कलर से ड्रॉ करती हूँ ओके ध्यान से देखते जाएंगे अब एक और पार्ट ड्रॉ कर लीजिए ठीक है उसके बाद एक और पार्ट ड्रॉ करना है अपने को ध्यान से देखिएगा लेग्स पड़ रहे हैं ना हम लोग वन टू थ्री फोर फाइव और फाइव के नीचे है क्लॉज अब यहाँ पे लिख नहीं पा रही हूँ तो यहाँ लिख दे रही हूँ ठीक है ध्यान से देखते जाइएगा पहले हम लोग ड्रॉ कर लें उसके बाद हम इसको लेबल करेंगे ओके ओके ओके, ओके। चलो काउंट करते हैं कितने पार्ट हैं सबसे पहला पार्ट है ये दूसरा पार्ट है, है ये तीसरा पार्ट है ये चौथा पार्ट है ये और पांचवा पार्ट है ये सो so, लेग्स के पार्ट कितने हैं पार्ट्स कितने हैं बच्चों पार्ट्स है, बच्चो? है पांच ठीक है पार्ट्स है पांच एंड एवरी पार्ट ठीक है एवरी पार्ट इज ज्वाइंटेड बाई ए ज्वाइंट इजेंट एड हर जो पार्ट है वो एक ज्वाइंट से लगा हुआ है ये एक पार्ट हो गया दूसरा पार्ट हो गया तीसरा हो गया तीसरा चौथा पांचवा ये जितने भी पार्ट हैं ये ऐसा थोड़ी होता है कि फ्रीली इधर उधर घूम रहे हैं अपने मन से जुड़े हुए ये एक ही हड्डी नहीं है मतलब ये एक ही कंटिन्यूस स्केलेटल नहीं है ठीक है ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं लेग्स इनके ठीक है इनमें अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं एंड एवरी सेगमेंट इज ज्वाइंट बाई अ ज्वाइंट ठीक है ये अटैच होते हैं बाई ए ज्वाइंट दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज ऑर्थ्रोपोडा ऑर्थ्रोपोडा मतलब ज्वाइंटेड लेग्स दे हैव ज्वाइंट इन बिटवीन द सेगमेंट ऑफ लेग्स ठीक है कोई दिक्कत सो so, सबसे पहले हम शुरू करते हैं लेबलिंग के बारे में लेग्स के पार्ट्स तो हम समझ गए कितने हैं चलिए आ जाइए ये वाला जो पार्ट है ये है प्रॉग्जिमल पार्ट ठीक है ये कौन सा पार्ट है बच्चों प्रोक्सिमल पार्ट दिस इज द प्रोक्मल पार्ट ऑफ द लेग इस प्रोक्सिमल पार्ट का नाम है कॉक्सा ठीक है प्रोक्सीमल पार्ट का नाम क्या है बच्चों कॉक्सा ठीक है ये जो कॉक्सा वाला पार्ट होता है इट इज अटैच टू द अटैच टू द टू द थॉरक्स समझे नहीं समझे हर जो लेग है वो अपने कॉक्सा वाले पार्ट से इनकी छाती मतलब थॉरिक्स से जुड़ा हुआ होता है ठीक है प्रोक्सिमल पार्ट है कॉक्सा ना ये है ट्रोकेंटर एट दिस दिस इज कॉल्ड एज ट्रोकेंटर मैडम ये क्या क्या आप बता रही हो हमारी एनसीईआरटी में नहीं है बेटा ये ना आपके ऑर्थ्रोपोडा में आपने पढ़ना था ठीक है ये आपके ऑर्थ्रोपोडा में आपको पढ़ना था ठीक है दूसरी बात ये है कि आ, मैं बार बार कह रही हूं कि ऐसा लेग का जो है आ जाएगा आपके पास और फिर जो है आप घूमते रहना बनेगा नहीं आपको लेबल करना आना चाहिए आपको ठीक है ओके तो ये कैसे दिखाई देते हैं आपको रॉड लाइक -like. कैसे दिखाई दे रहे हैं ये आपको रॉड लाइक -like. ये आपको कैसा दिखाई दे रहा है ये आपको ट्राइंगर दिखाई दे रहा है ना तो ट्राइंगुलर होता है कॉग्जा रॉड लाइक -like होता है ट्रॉक एंटर डन उसके बाद ये वाला हालांकि मुझे थोड़ा मोटा बनाना चाहिए बट let it be मैं अभी मोटा बना देती हूँ मोटा क्या है मोटे से तो मुझे बहुत प्यार है चलो मैं और बना देती हूँ उसको थोड़ा थिकेस्ट बना देती हूँ ओके लुके दिस अब देखो कॉकरोच का लेग हम क्यों पढ़ रहे हैं देखो क्यों पढ़ रहे हैं हम कॉक्रोच का लेग मैडम कॉक्रोच का लेग हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये लेग ना हमारे जैसा ही है अब ऐसे चिड्डो का लेग हमारे जैसा नहीं है पर पार्ट हमारे जैसा ही है तुम्हारे पास फीमर होता है कि नहीं होता होता है मैडम होता है कि नहीं होता तुम्हारे पास फीमर वैसे ही इनके पास भी फीमर है ठीक है और ये जो पार्ट अब हम लिखने वाले हैं इट इज नथिंग इट इज़ द फीमर बच्चो ये क्या है ये है फीमर ठीक है थोड़ा और मोटा करना पड़ेगा मुझे हाँ तो ये क्या है आपका ये है आपका फीमर फीमर जैसे आपका होता है ना ये जांग की हड्डी वैसे इनकी जो फीमर होती है वो भी थिकेस्ट थिकेस्ट होती बोन वोन नहीं इनका तो जो बना है काइटिन का बना है थिकेस्ट पार्ट होता है फीमर ठीक है कोई दिक्कत उसके बाद होता है टीबिया तुम्हारे पास भी है ना टीबिया, फिबुला। टीबिया। इनके पास फिबुला नहीं है बट दे हैव हैव यू जिसको कहते हैं देव टीबिया है ना तुम्हारे पास है पैर में टीबिया होती है उसके नीचे होता है आपका आ, 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 क्या कहते हैं उसको पंजा ठीक है पंजा ना पैर वाला हाँ तो पंजा होता है उसके नीचे तो टीबिया आपके पास भी है कि नहीं है ठीक चलिए ये क्या करते हैं दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ ऑल द फ्रॉम THE PARTS OF THE LEG, आई बात समझ में कोई दिक्कत इसमें ये क्या करते हैं टीबिया का काम क्या है ये करता है शॉक एब्जॉर्प्शन ये क्या करता है बच्चों शॉक एब्सॉर्प्शन ठीक है देखो तुम्हारे साथ भी यही है तुम्हारे पैरों में भी टीबिया का काम शॉक एब्सॉर्प्शन ही है बेटा जब तुम जरूरत से ज्यादा काम कर लेते हो तो पैर के किसी भी हिस्से में दर्द नहीं होता सिर्फ टीबिया में दर्द होता है जो ऐसा ये वाला हिस्सा होता है अब मैं कैमरे में सिर्फ इतना ही दिखता है, नहीं तो तुम्हें पैर भी दिखाती मैं अपना ठीक है तो पंजे के जो ऊपर वाला हिस्सा होता है जहां टीबिया फिबुला दो हड्डिया होती पढ़ाया है मैंने तुमको उस हड्डी पे मतलब उस जगह पे सबसे अधिक पेन होता है क्योंकि पूरे पैर जो होता है वो सा, जितना भी एक्सटर्नल जर्क है दौड़ने का भागने का कूदने का गिरने का ये सब जो जर्क होता है वो टीबिया ही सहती है वैसे ही इनकी टीबिया भी वही सहती है ठीक है ना ये वाला पार्ट जो है दिस इज कॉल्ड एज टारसस अब यहाँ पे जगह नहीं यहाँ लिख रही हूँ मैं दिस इज कॉल्ड एज टार्सस ठीक है अब टारसस जो है यहाँ पे बना देती हूँ टारससस देखो ध्यान से अब जो टारसस है वैसे पांच यूनिट से मिलके बना है तीन चार पांच ठीक है ओके okay? टार्सस पांच यूनिट से मिलके बना है और इसे आप कहते हैं टार्सोमियर इन सारे को आप क्या कहते हैं टारसोमियर ओके okay? इन सारे को आप क्या कहते हो टार्सोमियर ओके okay? दिस इज कॉल्ड एज टार्सोमियर देखते है? ये कहलाता है टार्सोमियर ठीक हाउ मेनी टारो वी हैव वन टू थ्री फोर फाइव कितने टार्सोमियर है फाइव टार्सोमियर वी हैव इन द टार्सस ये पूरा क्या है स्ट्रक्चर ये है टार्सस का स्ट्रक्चर ठीक है आप समझना बात को ध्यान से समझना इनके बीच में इनके बीच में ध्यान से समझो इनके बीच में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है ये ये यहाँ पे बीच में हर टार्सोमियर के बीच बीच में ऐसा एक स्ट्रक्चर पाया जाता है डन

चूले ठीक है ये क्या होते हैं ये भी होते हैं शॉक एब्जॉर्बर टिश्यू ये क्या होते हैं शॉक एब्जॉर्बर टिश्यू समझ में आ गई बात तो ये जो प्लेटूल हैं ये भी शॉक एब्जॉर्बर टिश्यू हैं ऐसे ही नहीं कोई कॉकरोच का लेग है ये एक भी ऐसे मतलब बहुत जद्दोजहद चेहते ज्वाइंट बने इसमें ठीक है तो इनके में पल प्लान्टूले होता है जो कि शॉक एब्जॉर्बर होता है तो ये तगड़त तगड़ तगड़त तगड़, घोड़ा तगड़ तो दौड़ता है ये दरद दर जब दौड़ते हैं फिस 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 फीसद दौड़ते रहते हैं तो इनके उंगलियों में शॉक किसी की भी उंगलियों में बेटा जब ज़्यादा हम लोग काम करने लगते हैं तो जॉइंट में दर्द होने लगता है नहीं होने लगता है तो हमारे तो हर जॉइंट के बीच में कार्टिलेज प्रेजेंट होता है तो हमें तो कोई इतनी टेंशन रहती नहीं है वैसे ही इनके पास प्लान्टूले होते हैं जो कि शॉक एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं अब ध्यान से समझना इनमें लास्ट में पाया जाता है क्लॉ ठीक है क्लॉ क्लॉ ये देखो क्लॉ ठीक है okay. This is called as claw. Clause, ठीक? अब पर मैं का एक डायग्राम बनाती हूं okay. क्लॉज का एक डायग्राम बनाती हूं ध्यान से देखना है आ जाओ इधर ये है इनके क्लॉज का डायग्राम ठीक है ये देखो ओके okay. नाउ आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लॉस बेटा कॉकरोच है वो कहीं भी दौड़ सकता है ना कहीं भी दौड़ सकता है उनको कोई टेंशन नहीं है तो जब वो रफ सरफेस पे दौड़ रहे हैं जब वो रफ सरफेस पे भाग रहे हैं एट रफ सरफेस जब वो रफ सरफेस पे भाग रहे हैं तो उनको क्लॉज की जरूरत है पर इनके बीच में एक एडहेसिव पैड लाइक स्ट्रक्चर होता है मैं कौन से कलर से बनाऊँ यार ये देखो ये ये देखो इनके क्लॉज के बीच में एक ऐसा एडहेसिव पैड लाइक स्ट्रक्चर होता है ध्यान से देखिएगा ओके इनके क्लॉज के बीच में एक एडहेसिव एडहेसिव पैड लाइक स्ट्रक्चर है ओके पैड लाइक स्ट्रक्चर है ओके इस पैड लाइक स्ट्रक्चर का नाम क्या है बताइए इस पैड लाइक स्ट्रक्चर का नाम है एरोलियम एरोलियम ठीक है ये एडेसिव पैड लाइक स्ट्रक्चर इनको स्मूद सरफेस पे वॉक करवाता है एट स्मूद सरफेस एट स्मूद सरफेस वॉकिंग आ गई बात समझ में तो हमको ये समझना है कि इनका जो क्लॉ रहता है इनका जो क्लॉ रहता है क्लॉ के बीच में एक ऐसा एडेसिव पैड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे आप एरोलियम कहते हैं एरोलियम जो है इनको स्मूथ सरफेस पे चलने में मदद कराता है ताकि ये फिसल ना जाए ठीक है ना अब ऐसा थोड़ी है कि कॉकरोच देखा नहीं ये स्मूद इनको तो हर जगह चलना है अब इनको टमाटर के ऊपर चलना है इनको तुम्हारे जो है तो रबड़ी के ऊपर चलना है तुम्हारे आटे के ऊपर चलना है तो है तो फिसल सकते हैं ना चोट लग सकती है इनको तो इनके क्लास के बीच में एक एडेसिव पैड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको आप कहते हैं एरोलियम जो इनको स्मूथ सर्फेस पे चलने में मदद करता है तो ये हो गया है इनका लेग टेक द स्क्रीन शॉट ऑफ तो ये हो गया लेग्स के बारे में आई होप कि आपको लेग्स की कहानी पूरी समझ में आ गई है लेग्स का डायग्राम भी शायद मैंने लगाया लुके दिस सो ये है आपका कॉग्ज़ा और ये वाला जो कागज़ा वाला पार्ट होता है ये जुड़ा हुआ होता है थॉरिक से किससे जुड़ा हुआ होता है थॉरिक से जुड़ा हुआ होता है ये हो गया फीमर ये हो गया ट्रोकेंटर दिस इज द ट्रोकेंटर ठीक है ये हो गया टीबिया टीबिया से जुड़ा है टार्सल टारसल के हैं पाँच हिस्से वन टारसल टू थ्री फोर फाइव ये हैं इनके क्लास और क्लास में एक पैड है जिसका नाम है एरोियम कहानी क्लियर हो गई अब इसमें आपको एग्ज़ाम में कोई लेबलिंग नहीं दी रहेगी तो आपको ये याद रखना है कि पैर चिड्डे का पैर जो है कॉकरोच का पैर जो है ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है बच्चों इसको ध्यान से एक बार कर लेना दो बार रिवाइज़ करोगे दो बार बना बना के देखना हो जाएगा ठीक है तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं इसमें ये कहानी क्लियर हो गई सबको ना अब हम ये भी लेग्स हो गए कौन कौन से कहाँ से निकलते हैं ये भी कहानी हो गई लेग्स पढ़ा दिया चलो अब हम बात करते हैं एबडामिन की ठीक है लेट्स स्टार्ट विद विदिन क्या कहानी है एबडोमिन की एबडोमिन कैसे शेप हो, का होता है ये होता है शेप 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 का abdomen shape का का किस है है बच्चों दिखाई देता आपको हाउ मेनी सेगमेंट प्रेजेंट इन द एबडोमिन पढ़ा है हम लोगों ने कितना सेगमेंट बनाया था चलो एक कॉकरोच छोटा सा रफ कॉकरोच बना लेते हैं अपन परपेंडिकुलर हेड बना लो इसका ठीक है एक फ्लेक्सिबल नेक बना लो इसकी दो एंटीना बाहर निकाल दो इससे महाराज जी से फिर तीन थोड़े सेगमेंट बना लो वन टू थ्री तीन थोड़ा सेगमेंट बना लिए अपन ने उसके बाद बना लो एब्डोमिनल सेगमेंट्स हाउ मेनी एब्डोमिनल सेगमेंट प्रेजेंट इन टू द काक्रोचेस पैर बना लो काक्रोच के है ना तीन विंग्स नहीं बना रही हूँ क्योंकि फिर मैं एबडामिन शो नहीं कर पाऊंगी ठीक है एबडोमिन में कितने सेगमेंट होते हैं बच्चों एबडामिन में uh, एक सेकेंड एबडामिन बनाती हूँ मैं ध्यान से देखना ओके okay. अरे ये क्या हो गया ये क्या बन गया ओके सो लेट स्टार्ट एक सेगमेंट ये हुआ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अरे तो बन ही नहीं, नहीं पाएंगे hmm. नंबरिंग हटा दो क्या चलिए सेगमेंट बनाते हैं क्या कहानी है पहला सेगमेंट दूसरा सेगमेंट तीसरा सेगमेंट चौथा सेगमेंट पांचवा सेगमेंट छठवा सेगमेंट सातवा सेगमेंट आठवा नौवा दसवा ठीक है हाउ मेनी सेगमेंट वी हैव मेड इन द एबडोमिन दस सेगमेंट ठीक है तो ये पोर्शन क्या है ये है बच्चों आपका एबडोमिन ये क्या है बच्चों आपका एबडामिन ठीक है ये हो गया आपका एबडोमिन कितने सेगमेंट है एबडोमिन में एबडोमिन में टोटल हैं अपने पास दस सेगमेंट हाउ मेनी सेगमेंट दस सेगमेंट एम्ब्रनिक स्टेज पे एबडोमिन में कितने सेगमेंट होते हैं एम्ब्रियनिक स्टेज पे होते हैं टोटल ग्यारह सेगमेंट ठीक है एम्ब्रोनिक स्टेज पे कितने होते हैं ग्यारह होते हैं और वो फ्यूज होकर बन जाते हैं दस ठीक है बोर्ड शेप का एबडामिन होता है इलेवन टेन इसमें सेगमेंट्स होते हैं ठीक है ओके नाउ okay. अब हम बात करते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ एबडामिन के एबडोमिन से कौन कौन से स्ट्रक्चर जुड़े रहते हैं सो लेट स्टार्ट लेट स्टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एपडमिन हाँ ये कहने के लिए Board शेप का होता है इसमें कोई appendages नहीं होते नो appendages. अपेंडेजिज का मतलब समझते ही होंगे कोई भी जुड़ी हुई चीज़ नहीं है मतलब नो विंग्स नो लेग्स कुछ नहीं है इसके पास ओके नाउ तो इसमें स्ट्रक्चर कौन कौन से है वो देख लेते हैं आ जाइए लेट्स स्टार्ट स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं एपडमिन में देखिए स्ट्रक्चर जो है Uh, कुछ प्रकार के हैं आइए देखें उनके बारे में क्या है पहला है एनल स्टाइल एनल स्टाइल ठीक है फिर है एनल सरकाई ओके इसको आप एनल सर्कस भी कह सकते हैं ठीक है ये सर्कस नहीं खेल रहा है ठीक है ना ये इसका इसका नाम है ये ओके एनल सरकाई फिर है लास्ट गोनोपोफाइसिस गोनोपोफाइसिस ठीक है चलिए शुरू करते हैं एनल स्टाइल के बारे में वॉट इज द एनल स्टाइल चलिए एनल स्टाइल का मतलब ये है कि बेसिकली ये क्या करते हैं मतलब ये कुछ आपको पीछे से कॉकरोच के निकले हुए दिखाई देंगे ये होते हैं ज्वाइंटेड एनल स्टाइल कैसा है बच्चों ये है जॉइंटेड ठीक है ज्वाइंट रहेगा ठीक है दूसरा ये आपके कौन से सेगमेंट से अराइज होता है एनल स्टाइल के बारे में बात एनल स्टाइल के ज्वाइंटेड ना ना, ना. एनल स्टाइल इज नॉट ज्वाइंटेड बच्चों ना ओके okay. सबसे सब पहले एन एल सरकाई बात करते हैं एन एल सरकाई होता है ज्वाइंटेड ठीक है कहाँ से अराइज होता है ये अराइज होता है टेंथ सेगमेंट से ठीक है कहाँ से अराइज होता है बच्चों टेंथ सेगमेंट से ठीक है पहले हम एन एल सरकाई के बारे में बात कर लेते हैं देन विल टॉक अबाउट द एनल स्टाइल एनल सरकाई जो है ये ज्वाइंटेड होता है एन एल सरकाई जो है टेंथ सेगमेंट से अराइज होता है टेंथ सेगमेंट के कौन से साइड से अराइज होता है एट द टर्गम क्या होता है टर्गम क्या होता है टर्गम इज द ऊपर वाली प्लेट इज एंड टर्गम क्या है ऊपर वाली प्लेट से मतलब ऊपर की ओर से आपको दिखाई देगा तो ये राइज होता है ये ज्वाइंटेड होता है और ये राइज होता है टेंथ सेगमेंट के टर्गम से ठीक है ओके okay. ये क्या करता है फंक्शन समझिए क्या करता है ये फंक्शन देख लीजिए क्या है इसका इट डिटेक्ट द वाइब्रेशन इट डिटेक्ट द detect the uh, it detect the vibrations vibrations sound ठीक है ओके okay. तो ये क्या करता है कि जैसे मान लीजिए कि इसको आग, आग, जैसे मान लीजिए किसी जगह पे बहुत ज्यादा वाइब्रेशन हो रहा है ठीक है बहुत ज्यादा धन 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 हो रहा है तो ये उस उस जगह पर नहीं जाएंगे मतलब जैसे तुमको भी पता है अगर तुम इफ़ यू डोंट इफ़ यू आर नॉट वेरी मच साउंड लवर तो जिस जगह पर बहुत ज़्यादा पार्टी हो रही होगी वहाँ पर हम लोग नहीं जाते हैं हम लोगों को पसंद ही नहीं है तो हम क्यों जाएंगे तो ये हम नहीं जाते ठीक आ, ये साउंड इनको जो साउंड पसंद होता है ये उसी जगह पर जाते हैं तो इनके जो एनल सरकाई होते हैं एनल सरकाई मेल और फीमेल दोनों में पाए जाते हैं ठीक है कहाँ पर लिख दूँ यार हाँ आप पर लिखो क्या देख लेना थोड़ा सा फाउंड इन इन मेल एंड फीमेल ठीक है ये दोनों में पाए जाते हैं मेल में भी पाए जाते हैं और फीमेल में भी पाए जाते हैं क्या डिटेक्ट करते, है? डिट करते, करते, करते हैं ये डिटेक्ट करते हैं वाइब्रेशंस ठीक है ये क्या डिटेक्ट करते हैं बच्चों ये वाइब्रेशंस डिटेक्ट करते हैं ये साउंड डिटेक्ट करते हैं जो साउंड जो पार्टी इनको पसंद हो रही होगी ये उस जगह पर जाते हैं और जो पार्टी इनको नहीं पसंद हो रही होती है ये उस जगह पर नहीं जाते हैं ठीक है नाउ विल स्टार्ट विद द एनल स्टाइल एनल स्टाइल जो है ये ओनली मेल में पाया जाता है यहाँ से थोड़ा सा मैं इसको पार्टीशन कर देती हूँ ओके okay, ऐसा ओके एनल स्टाइल सिर्फ किस में पाया जाता है बच्चों ये सिर्फ और सिर्फ मेल में पाया जाता।, जाता है ओनली इन द मेल ये मेल में पाया जाता है ओके ये बहुत ही थिन होता है पतला होता है स्मॉल है और ये अनजॉइंटेड होता है ठीक है ये क्वेश्चन आपसे आ सकता है ठीक है इसमें कोई जॉइंट्स नहीं होते जबकि इसमें एनल सरकाई सरकारी में ऐसे 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 जॉइंट्स होते हैं एनल स्टाइल में कोई जॉइंट नहीं होता ये क्वेश्चन नीट में आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ बताओ हम लोगों को कि कौन सा आ, जो है अपनडेज कह सकते हैं या कह सकते हैं कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो ज्वाइंटेड नहीं होता है कॉकरोच में ठीक है तो आपसे पूछा जा सकता है उसमें आपको दिया जाता है एनल सरकाई दिया जा सकता है गोनोपोफाइसिस दिया जाता है एनल स्टाइल दिया जा सकता है तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है आपको इससे इससे कंफ्यूज नहीं होना है ये सिर्फ और सिर्फ मेल में पाया जाता है थिन स्मॉल होता है अनजॉइंटेड होता है और इसमें आपको क्या लिखना है आ, नाव इस ये कहाँ से अराइज होता है अराइजेस फ्रॉम फ्रॉम नाइन्थ सेगमेंट ठीक है नाइन्थ सेगमेंट के में भी पीछे से या आगे से नाइन्थ सेगमेंट स्टरनाइट ऑफ द नाइन्थ सेगमेंट ठीक है यहाँ पे स्टरनाइट से एराइज होता है ये एक बात क्लियर हो गई सबको कि ये कहाँ से एराइज होता है स्टरनाइट से एराइज होता है डन कोई दिक्कत इसमें कि हमको ये समझ में आ गया कि जो एनल स्टाइल होता है ये एनल स्टाइल नाइन्थ स्टरनाइट मतलब आगे से सेराइज होता है बहुत ही थिन होते हैं अनज्वाइंटेड होते हैं पेयर्ड होते हैं कैसे होते हैं बच्चों ये पेयर्ड होते हैं दो रहते हैं और सिर्फ और सिर्फ मेल में पाए जाते हैं जबकि एनल सरकाई मेल और फीमेल दोनों में पाए जाते हैं ये लंबे होते हैं ज्वाइंटेड होते हैं वाइब्रेशंस और साउंड को डिटेक्ट करते हैं फॉर द काक्रोचेस ठीक है उसके बाद इनका फंक्शन क्या है एनल स्टाइल का एनल एनल स्टाइल एक्ट एज अ कॉपुलेटरी ऑर्गन ठीक है इट एक्ट एज अ फंक्शन लिख रहे हैं हम लोग थोड़ा दूसरे कलर से लिख लेते हैं एनल स्टाइल का फंक्शन लिख रहे हैं यहाँ पीछे लिखूँ क्या मैं यहाँ पे लिख देती मैं, देखिए तो एनल स्टाइल का फंक्शन क्या हो गया एनल स्टाइल का फंक्शन बताइए क्या हुआ यहां पे लिख देती हूं मैं देखिए एनल स्टाइल का फंक्शन ये है इट एक्ट एज अप्यूलेटरी ऑर्गन इट एक्ट एज अप्यूलेटरी ऑर्गन ठीक है किसकी तरह बिहेव करता है ये कॉपुलेटरी ऑर्गन की तरह बिहेव करता है जैसे मेल में मेल पैर होता है वैसे ही इनके में इनल स्टाइल है इट विल ओपन द ठीक है इट विल ओपन द ओवी पॉजिटर ठीक है इट विल ओपन द ओवी पॉजिटर ठीक है ये आपको याद रखना है ठीक है तो इट विल ओपन द दॉजिटर एंड इट एक्ट एज अ एक्ट एज कॉपुलेटरी ऑर्गन ठीक है लास्ट थिंग जो आपको बतानी है गोनेपोफाइसिस वेर गोनापोफाइसिस के बारे में बता देती हूँ हालांकि ये हम लोग अभी उसमें पढ़ेंगे डैट क्या कहते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पर अभी थोड़ा सा बता देती हूँ ओरली बता देती हूँ गोनापोफाइसिस कुछ नहीं है जो मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन्स है या मेल और फीमेल जहाँ फीमेल पे मेल जहाँ पर स्पर्म को रिलीज करता है वो एरिया जो है चारों तरफ से स्क्लेराइट से या काइटेनियस प्लेट से घिरा रहता है वहाँ पर कुछ फेलोमीयर्स भी होते हैं ये क्या है हम जानेंगे उस एरिया को आप गोनाप कहते हैं दैट्स ठीक है नाउ लेट मी ड्रॉ द डायग्राम ऑफ एनल स्टाइल एंड एनल कसर का ठीक है सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं कुछ सबसे पहले विल गोइंग टू ड्रॉ द एबडामल सेगमेंट सम एबडामनल सेगमेंट्स ठीक है ओके डन ओके okay. ये किसका सेगमेंट है ये है मेल का ठीक है ऐसा ही एक सेगमेंट आप यहाँ पर भी बना लीजिए ओके okay. ये हो गया फीमेल का ठीक अब हम क्या देख रहे हैं हम ये देख रहे हैं कि ये वाला ये क्या है बताइए ये है एनल सरकाई एनल सरकाई में आपको जॉइंट दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर भी एन सरकाई बना लीजिए ठीक है बना लिया आपने एनल सरकाई लिख दूँ मैं ये है फीमेल ठीक है ये क्या है अपनी एनल सरकाई ठीक है और ये है आपका ये बहुत ही थिन सा है इसको आप कहते हैं एनल स्टाइल एनल स्टाइल इट उसके बाद अब जो है इट विल ओपन इन टू द इट विल ओपन इन टू इट विल ओपन इंटू दिन टू द एनस फॉर वाई के लिए एक्सक्रीजन के लिए नोट्स बन गए ना है सारी चीजें लिखी ना आपने लिखी आपने एबडामिन जो है यहाँ से शुरू हुआ एबडामिन एबडामिन बोर्ड शेप का होता है दस सेगमेंट होते कोई अपेन्डेजेस नहीं होते इनके ऊपर ठीक है उसके बाद <coughs> आ, Uh, कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं डोमिन में एनल स्टाइल एनल सरकाई और अगोनैपोफाइसिस एनल सरकाई और एनल स्टाइल के बारे में वी हैव टू लर्न एनल स्टाइल जो है ये दोनों सिर्फ मेल में पाया जाता है वो पॉजिटर को खोलता है ताकि इसको डिलीवर कर सके एनल सरकाई क्या होता है टिंग टिन इधर चलो इधर चलो, 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 चलो यहाँ पे वाइब्रेशन अच्छा है यहाँ पर पार्टी अच्छी है यहाँ पर ड्रम अच्छा बज रहा है यहाँ पे गिटार अच्छा बज रहा है कॉकरोच को ये बताने का काम करता है ठीक है ये मैंने इसके डायग्राम्स भी आपको बता दिए उसके बाद पूरा जो एब है इट विल ओपन इन टू द इट विल ओपन इन टू द एन एस सो वी हैव कम्प्लीटेड लिसन टू मी वेरी केयरफुली मैं आपको एक करके दिखाते जाती हूँ कि हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या है पूरे नोट्स भी बनवा दिए बेटा पूरे नोट्स भी बन गए हमारे ठीक है ना तो टेंशन नहीं लेना है अपने को लेट स्टार्ट कहाँ से हम लोगों ने शुरू किया था सबसे पहले हम लोगों ने शुरू किया था कि कहाँ पर कॉकरोच होता है उसकी लोकेशन एनवायरमेंट क्या होती है उसके बाद मैंने आपको उसका शेप कैसा होता है साइज क्या होता है कलर क्या होता है ये बताया मैंने आपको फिर बॉडी एग्जोस्ट में सारी प्लेट्स बताई हालांकि पिछले लेक्चर में मैंने आपको पूरा डिटेल से बता दिया था फिर बॉडी सेगमेंट्स बताया कि कौन कौन से सेगमेंट एम्ब्रियनिक और एडल्ट में होते हैं फिर मैंने उसके हेड के बारे में बताया कि कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स इनका हेड मिल के बना होता है फिर मैंने आपको उसकी आई के बारे में पढ़ाया हेड पहले पढ़ाया कि कौन कैसा हेड होता है ट्रायंगुलर होता है और इसमें नेक होती है फ्लेक्सिबल नेक क्यों होती है फॉर फॉर वेरी फास्ट फॉर वेरी फास्ट मूवमेंट ठीक है तो जो है कॉकरोच बहुत ही दन, दन 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 ऐसे मुंडी हिलाता है समझ गए क्योंकि उसके पास फ्लेक्सिबल नेक होती है जैसे तुम भी नेक हिला लेते हो ना वैसे वो भी फिर हमने कंपाउंड आइज के बारे में पढ़ा हेड का पार्ट है वो फिर हमने हेड के पार्ट में एंटीना के बारे में पढ़ा फिर हमने माउथ पार्ट्स उसके पूरे किए फिर हमने उसके थॉरिक्स के बारे में आए थॉरिक्स में मैंने आपको विंग्स पढ़ाया कि उसमें होते हैं फिर मैंने थॉरिक्स में आपको लेग्स पढ़ाए आज ठीक है कौन से लेग्स होते हैं कौन से विंग्स होते हैं ठीक है और फिर हम आए लेग्स बता दिए मैंने पूरे आपको ठीक है फिर मैंने आपको लेग का स्ट्रक्चर पूरा पढ़ाया अच्छी तरीके से फिर मैंने आपको बताया कि वेंट्रल साइड पे लेग्स होते हैं फिर मैंने आपको बताया दैट एबडोमिन के बारे में ठीक है किसके बारे में बताया मैंने आपको एबडामिन के बारे में फिर मैंने आपको बताया एबडोमिन के स्ट्रक्चर के बारे में देन मैंने आपको बताया उसका फंक्शन कि कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं उनका क्या फंक्शन होता है सो दिस इज ऑल अबाउट द मॉर्फोलॉजी ऑफ द कॉकरोचेस ठीक है ये डन इसके अलावा कोई और सवाल नहीं आएगा, आएगा आपके लिए अब हम चलेंगे उसके सिस्टम के बारे में पर आज की क्लास के लिए आई थिंक इतना मोर देन इनफ है बेटा मैं ऑलरेडी ये सारी चीज़ें आपको लास्ट क्लास में पढ़ा दी थी पर क्योंकि नोट्स बनवाने थे इसलिए मैंने आपको बना दिया इसके अलावा आपको कुछ और भी नहीं पढ़ना है सो आई होप यू लर्न एंड एन्जॉय द वीडियो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद एनाटमी ऑफ कॉकरोच तब तक घर पे रहिए सेफ रहिए मेरे लेक्चर्स देखते रहिए कुछ ना समझ में आए तो वो मुझे बताइए अच्छा एक चीज़ बार बार बोलने से पहले मैं आपको बता दूँ बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि थोड़ा टफ़ पढ़ा रही हूँ मैं देखो बहुत सारे लेक्चर्स आपको जो है इंटरनेट पे दिए होंगे बहुत सारे लेक्चर्स आपको चैनल्स पे मिलते होंगे आ, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा रही हूँ मैं पूरा एन का है यू कैन चेक इट आउट उसके बाद मेरे से आसान करके कोई पढ़ाता नहीं है ये भी मैं जानती हूँ कोई पाँच मिनट का वीडियो डाल देगा और आप उसको देख के सोचोगे कि तुम्हारा उससे नीट निकल जाएगा और तुम्हारा उससे सिलेक्शन हो जाएगा तो ऐसा नहीं होता है मैं हर जो वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ जो चीज़ टफ है उसको मैं जितना आसान कर सकती हूँ करूँगी इलेवेंथ का बायोलॉजी ऑलरेडी टफ है ये बात आपको पता होनी चाहिए कि इलेवंथ का बायोलॉजी ट्वेल्थ के बायोलॉजी से बहुत टफ है ट्वेल्थ का बायोलॉजी ईजी है आसान है पर फिर भी मैं इतने आसान तरीके से पढ़ाती हूँ तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि उसका रिस्पेक्ट करें आप और जितना मैंने पढ़ाया है उतना आप कर ले उतने में आपका नीट का सिलेक्शन हो जाएगा सो आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द वीडियो सी यू द नेक्स्ट क्लास विद अनदर न्यू थिंग तब तक मैंने जो पहले ही बोला था सेफ रहिए घर पर रहिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बाय बाय